Hello everyone. If you aspire to crack GATE and ESE, hard work in a smart way is the only key. Be it entropy or exergy, I will clear all your concepts to make you confident for the exam day. Start with basic level and take your preparation to the advanced level, or as I would say, from zero to hero level. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. Hello everyone. If you aspire to crack GATE and ESE, hard work in a smart way is the only key. Be it entropy or exergy, I will clear all your concepts to make you confident for the exam day. Start with basic level and take your preparation to the advanced level, or as I would say, from zero. To hero level. Let's crack it. Unacademy. academy. Let's crack it. Hello everyone. If you aspire to crack GATE and ESE, hard work in a smart way is the only key. Hello, Navy soldiers. Good evening. Good evening. Good evening. उारो के कैसन बाज झमा झमझमा झम डिस्कशन होने वाला है बारोमीटर का पीसोमीटर का एंड सिंपल YouTube मैनोमीटर का मजा ही आ जाएगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले अरे बाबा सर आज तो सैटरडे है आज क्लास नहीं होती आज आप क्लास लेने आ गए कल क्लास नहीं हुई थी ना अरे बाबा चंपो फ्राइडे को क्लास पोस्टपोन मैंने सैटरडे को कर दी थी रीजन आपको पता है राइट चलो तो यार हो सकता है कि कुछ लर्नर्स पहली बार मेरी क्लास को देख रहे होंगे तो फटाफट से मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं माई नेम इज़ देवेंद्र सिंह नेगी इंजीनियरिंग साइंसिस पेपर और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि भाई गेट दो हजार 20 में उट ऑफ सेवेंटी इन एक्सी टेक्निकल पार्ट है ना और एक और चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा बेटा इस बार का गेट ऑल इंडिया रैंक वन यस गेट 2023 ऑल इंडिया रैंक वन इन इंजीनियरिंग साइंसेस पेपर इज माय अन अकेडमी प्लस अस्टूडेंट अन सुमन अग्रवाल ये बहुत सारे रैंक्स हैं ये बहुत सारे रैंक्स हैं रैंक वन ये बहुत सारे रैंक्स हैं रैंक वन नेगी सोल्जर्स की रैंक है रैंक फोर रैंक सेवन रैंक फोर्टीन रैंक सिक्सटीन और मैं चाहूंगा कि अगले साल आप लोग यहाँ पर रहें मेरे बाबा कितने लोग दिल से चाहते हैं कि सर अगले साल हम यहाँ रहने वाले हैं यार पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो जितने लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं अब चाहे कहीं से भी कर रहे हैं अन अकेडमी प्लस से कर रहे हैं या यूट्यूब पर मेरे साथ कर रहे हैं या सेवन डे फ्री ट्रायल से कर रहे हैं लेकिन ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो यार पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो कि सर अगले साल तो यहाँ होना है रैंक वन की जगह होना है रैंक फोर की जगह होना है रैंक सेवन की जगह होना है रैंक फोर्टीन की जगह होना है रैंक सिक्सटीन की जगह होना है अरे बाबा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यस yes. आप लोगों के लिए मैंने ऑल इंडिया रैंक वन अंशुमन अग्रवाल का इंटरव्यू लिया था और अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा उस इंटरव्यू को देखा हो तो कॉलेज के साथ फोड़ा है कॉलेज के साथ फोड़ा यस फोर्थ ईयर में ऑल इंडिया रैंक वन आई है बच्चे की

इस चीज को तो आप मान लो इस चीज को तो आप जान लो कि फ्यूचर में आपको एमनी प्लस एक्सी लिखना है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं अगर आप सिर्फ मैकेनिकल भरते हो और बाय चांस किसी भी रीजन से पेपर उतना अच्छा नहीं होता है तो एक साल बर्बाद हो जाएगा अरे बाबा इस बार का मेरा बच्चा विष्णु एक बच्चा है विष्णु मेरा प्लस का ही बच्चा है मैकेनिकल में थर्टी पॉइंट थ्री थ्री मार्क्स लाया है आउट ऑफ हंड्रेड Just हुआ है। लेकिन एक्सी में फोड़ दिया 73 All 33, थ्री मार्क्सोर का इंटरव्यू इंटरव्यू दे रहा है नया ऑल स्टार बैच स्टार्ट हो रहा है सर नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है

गेट 2024 के लिए स्टार्ट हो रहा है एंड ज्वाइन करने के लिए कोड लगाना है एक ही जो कि है क्या नेगीटन जैसे आप नेगी लगाते हैं आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ जाते हैं अगेन आई एम रिपीटिंग ये जो नया बैच है 12 मई से स्टार्ट हो रहा है ठीक है और एक और चीज मतलब पहली बार ये ऑफर निकला है जरा ध्यान से सुन लेना अभी तक होता क्या था जो हमारे अन अकेडमी के प्रिंटेड नोट थे जहां पर आपको 16 बुक्स मिलती हैं बेहतरीन बुक्स मिलती हैं अभी वो अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिल रही हैं पहले वो आइकॉनिक के साथ मिलती थी जो हमारा एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट है लेकिन अब आपको वही अन अकेडमी के प्रिंटेड नोटीन बुक्स मिल रहे हैं अन्य प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ अगर आप बारह महीना या उससे ज्यादा का ज्वाइन करते हैं उसके साथ साथ आपको पी की बुक मिलने वाली है और ये जो पी की बुक है ऐसा नहीं है कि इसमें 10 साल के पीवाई क्यूज है ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में 10, 12 साल 15 साल के पी क्यू डालकर आपको दे दिए नो इट इज हैविंग 35 फाइव प्लस ईयरस ऑफ गेट पी क्यूज और बेटा मैं आपको पहले ही बता रहा हूं जब भी आपको कोई पीवाईक्यू की बुक लेनी हो जब भी आपको पीवाईक्यू करने हो 10 12 15 साल के पीवाईक्यू करने से कुछ नहीं होगा आपको जितने भी पीवाईक्यूज आज तक के अवेलेबल हैं सारे के सारे सॉल्व करने होंगे ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हुआ आया हूं साथ में आपको वीडियो सॉल्यूशंस तो मिलते ही हैं ठीक है थीके? तो अगेन ये जो ऑफर है ये ऑफर है टिल 7th ऑफ मई है ना केवल सात मई तक ये ऑफर वैलिड है तो जिसको भी ज्वाइन करना हो यार नेगीटन लगाकर ज्वाइन आप कर सकते हो याद रखना कोड एक ही है नेगी There is only one code for नेगी yes. यही आपका एक्टिवेशन कोड है यही आपका डिस्काउंट कोड है यही आपका रेफरल कोड है, है यही आपके मेंटोर का कोड है यही आपके सक्सेस का कोड है यही आपका कोड है, है, है नेगीटन नेगीटन तो बेटा आप लोग रेडी हैं आज की क्लास के लिए आर यू रेडी फॉर टूडेज क्लास और अगर रेडी है तो फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे अरे बाबा देन वी विल बी स्टार्टिंग टूडेज क्लास आज तो झमा झमा झम जम, झमा झम डिस्कशन होने वाला है अरे बाबा वेरी गुड सूरज अमन क्या ही तो बात है आशीष गए गुरु गुड इवनिंग बाबा नाउ डिस्कशन हो रहा है बैरोमीटर का डिस्कशन हो रहा है बैरोमीटर का सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए बैरोमीटर को हम यूज करते हैं लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए कैसे करते हैं मैं बताऊंगा बट पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए बैरोमीटर इज यूज टू मेजर लोकल एटमोस्फ्रिक प्रेशर। इसको दिया था टोरेस ने और उन्हीं के नाम पर एक यूनिट भी आती है मैं डिस्कस करूंगा इट वॉज गिवन बाय टोरे एंड सिंस लोकल एटमोस्फ्रिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेजर इज ऑल्सो नोन एज बैरोमेट्रिक प्रजर ठीक है देखो जो पॉइंट मैंने बोले एक बार आपको लिखकर दिखाता हूं यार डिस्कशन हो रहा है बैरोमीटर का डिस्कशन हो रहा है बैरोमीटर का तो yes. यस Barometer is used to measure local atmospheric pressure. Point number one, not? point number two, it was given by. रेसली इट वॉज गिवन बाय टॉरेस नेक्स्ट पॉइंट सिंस बैरोमीटर इज यूज टू मेजर लोकल एटमोस्फ्रिक प्रेजर यही रीजन है कि लोकल एटमोस्फ्रिक प्रेजर को लोकल एटमोस्फ्रिक प्रेजर को हम लोग क्या बोलते हैं बैरोमेट्रिक प्रेजर भी बोलते हैं लोकल एटमोस्फ्रिक प्रेजर को बैरोमेट्रिक प्रेजर भी बोलते हैं डोंट वरी पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा बैरोमीटर होता क्या है कैसे काम करता है कैसे हम लोग लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेजर मेजर करते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेजर कितना होता सब डिस्कस डिस्कस करूंगा करूंगा डिटेल में में पेशेंस रखना फिलहाल बैरोमीटर के बारे में जो मैंने तीन चीजें बताई हैं आप नोट डाउन कर लो हेमंत hey, भी प्रेजेंट अरे बाबा पॉइंट नंबर वन बैरोमीटर इज यूज टू मेजर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेजर पॉइंट नंबर टू बैरोमीटर वॉज गिवन बाय बायसली ब्रैकेट में आयु काल भी मैंने दिया है 1608 से सोलह सौ जो करने वाले होते हैं वो कम उम्र में भी कर जाते हैं स्पैन देखो लाइफ स्पैन देखो 1608 से सोलह और तब भी इतना नाम बना दिया कि आज हम उसका नाम ले रहे हैं टोरेसेली साहब टोरेसेली साहब लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर हेंस लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो नोन एज बैरोमेट्रिक प्रेशर फटाफट से नोट डाउन करेंगे बेटा फटाफट से नोट डाउन करेंगे तब मैं आपको बताता हूं बैरोमीटर दिखता कैसे अरे बाबा इज ऑल्सो प्रेजेंट गोविंदा इज ऑल्सो प्रेजेंट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यहाँ पर इसको मैंने हाईलाइट किया है बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट ऑफ प्रेजर टॉर में डिस्कस करूंगा डन डन बहुत बढ़िया एक्सेलेंट क्या ही तो बात है बेहतरीन बेहतरीन सबो यस yes. ना बेटा नोटेड 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 बाकी लोग भी नोट डाउन करो रे बाबा यस नरसिंगा एक्सीलेंट यस यस डंडना डंडन अब देखना ध्यान से कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं ध्यान से देखना हमारे पास हमारे पास एक ट्यूब है आपको दिख रहा है हमारे पास एक ट्यूब है कुछ इस तरीके से ये जो ट्यूब है इवैक्यूएटेड ट्यूब है ट्यूब इज ई वैक्टेड ट्यूब वट इज द मीनिंग ऑफ ई वैक्टेड ट्यूब है ना ये जो ट्यूब है ये ई वैक्युएटेड ट्यूब है कहने का मतलब अंदर में कुछ भी नहीं है अंदर में कुछ भी नहीं है इट ई वैक्युएटेड ट्यूब बात समझ में आ रही है Is Empty, खाली कुछ भी नहीं है Nothing. दूसरी चीज दूसरी चीज ये जो ट्यूब है इसका डायमीटर मैंने लिया है 1.5 सेंटीमीटर से ऊपर डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज मोर देन 1.5 सेंटीमीटर अच्छा मैंने डायमीटर ऑफ द ट्यूब 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा क्यों लिया है ताकि कैपिलरिटी हो जो कैपिलरिटी हो वो नेग्लिजिबल हो आपको पता है जैसे जैसे देखो एच का फॉर्मूला क्या आया था फोर सिग्मा थीटा डिवाइडेड बाई रोजी डी डायमीटर ऑफ द ट्यूब तो अगर डायमीटर ऑफ द ट्यूब ज्यादा होगा तो जो कैपिलरिटी होगी वो नेग्लिजिबल होगी तो मैंने डायमीटर ग्रेटर देन 1.5 सेंटीमीटर लिया है ताकि नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल कैपिलरिटी हो नेग्लिजिबल ऑपिलिटी हो अच्छा ये जो डायमीटर ग्रेटर देन 1.5 सेंटीमीटर मैंने लिखा है किसी किसी बुक में ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर भी है किसी बुक में ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर भी है तो मैंने 1.5 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया है एनीवेज हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है हमारे पास एक ट्यूब है जो कि ईवेक्टेड है और उसका 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है ताकि जो कैपलरिटी हो वो हो ना आते हैं दूसरे पार्ट ऑफ स्टोरी पे आते हैं दूसरी पार्ट ऑफ स्टोरी पे मेरे पास एक टैंक है मेरे पास एक टैंक है कंटेनर है ऐसा बोल दो कंटेनर भी दिखाता हूं ये देखो मेरे पास एक टैंक है कंटेनर है कंटेनर दिखाता हूं आपको क्या ही तो झम जम कंटेनर हारे बाबा क्या ही तो झम जम कंटेनर हारे बाबा बहुत बढ़िया हमारे पास एक टैंक है कंटेनर है क्योंकि कुछ इस तरीके से है ये जो कंटेनर है ये किसी लिक्विड से जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है मान लो रो इज इक्वल टू कांस्टेंट भरा हुआ है दिस कंटेनर इज फिल्ड दिस कंटेनर इज फिल्ड विद सम लिक्विड हैविंग डेंसिटी रो इज इक्वल टू कांस्टेंट देखो स्टोरी समझते जाना कहानी समझते जाना बस इसी में ही सारा कांसेप्ट छुपा है अरे बाबा बिल्कुल यहीं से ही कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे रे बाबा नेगी सोल्जर्स ये देखो बेहतरीन बेहतरीन अस सपोज दिस इज द सरफेस लेट अस सपोज दिस इज द फ्री सरफेस है ना तो ये लिक्विड है This is the liquid this is the liquid having density rho is equal to constant. और ये हमारे पास कंटेनर तो है ही यहां तक क्लैरिटी है अब मैंने क्या किया बेटा क्या आपको ये वैक्टेड ट्यूब दिख रही है बिल्कुल दिख रही है इस ट्यूब को मैंने इस लिक्विड में हॉरिजॉन्टली डाल दिया देख लो आपके सामने मैंने क्या किया ये जो ई ट्यूब थी इसको इस लिक्विड में हॉरिजॉन्टली डाल दिया तो आपको क्या लग रहा है क्या होगा बेटा क्या होगा क्या मैं बोल दूं ये जो लिक्विड है ये जो लिक्विड है ये इस ई ट्यूब के अंदर भर जाएगा अरे बाबा कैनाइ से तरीके से झम जाम तरीके से कैनाई से दिस लिक्विड विल फिल दिस ई ट्यूब नाउ दिस ट्यूब विल बी नो मोर ई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा इससे पहले कि मैं कहानी आगे बढ़ाऊं मैं एक और चीज जानना चाह रहा हूँ एनी वन इन द क्लास कैन टेलमी विलेजर एक्टिंग ऑफ द से सुनना बेटा मैं क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं इस इस ट्यूब को रोटेट कर रहा हूं 90 डिग्री क्लॉकवाइज वाइज से देखना मैंने इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया अब जब मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया तो अब जो सिचुएशन होगी कितने लोगों को समझ में आ रहा है बेटा ध्यान से देखना अब जो सिचुएशन होगी क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं बिल्कुल ध्यान से देखेंगे अरे बाबा क्या मैं बोल सकता हूं कुछ इस तरीके से होगी यस दिस इज द ट्यूब दिस इज द ट्यूब ओहो एक्सेलेंट हार बाबा एंड देर इज नो डाउट

इस ट्यूब के अंदर लिक्विड है बहुत बढ़िया मान लो आफ्टर प्रेशर बैलेंस यहां तक लिक्विड है सर इसके ऊपर क्या होगा इसके ऊपर होगा इस लिक्विड के वेपर्स एंड ऑफ कोर्स ये जो वेपर्स हैं लिक्विड के उनका कुछ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा विच इज बेसिकली वेपर प्रेशर तो ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा यहां से लग रहा है पी ए टी एम लोकल यहां से लग रहा है पी ए टी एम लोकल ये जो लिक्विड के वैपर्स हैं ये लिक्विड के वेपर्स भी प्रेजर एक्सर्ट कर रहे होंगे कुछ लड़ा सपोज दैट इज एंड देयर इज अ नो डाउट ये जो हाइट है इसको मैं कुछ देता हूं मी से दिस इज स्मॉल कुछ इस तरीके से सिचुएशन हो जाती है कुछ इस तरीके से सिचुएशन हो जाती है अब मैं आपसे बड़े ध्यान से कुछ चीजें पूछ रहा हूं आंसर करना एनी वन इन द्लास कैन टेल मी इफ हेयर आई एम है पॉइंट वन वट विजर एट पॉइंट वन If here I'm having a point one, what will be the pressure at a point one? P local. Yeah, he to baba. Let us suppose this is a point two.

एंड अगर यहां पर मैंने लिया पॉइंट थ्री वट विल बी द प्रेजर एट पॉइंट थ्री वट विल बी द प्रेजर एट पॉइंट थ्री वट विल बी द प्रेजर एट पॉइंट थ्री जल्दी से बोलेंगे बाबा कैन आई से प्रेजर एट पॉइंट थ्री विल बी पीवी एंड क्या आपको समझ में आ रहा है अगर मैं बोलना चाहूं देखो आप ये आपकी समझ वाली बात है कि आपको समझ में आ रहा है प्रेशर एट पॉइंट टू इज पी ए टी एम लोकल प्रेशर एट पॉइंट थ्री इज पी वी तो पी टू इज इक्वल टू पी थ्री प्लस प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस डेप्थ ऑफ द लिक्विड रो जी एच तो पी लोकल इज इक्वल टू पी प्लस रो जी एच और ये हमने पहले किया था अगर आपको केसेस याद होंगे तो केसेस में मैंने डराइव किया था ये केसेस में मैंने डराइव किया था पी ए टी एम लोकल इज इक्वल टू पी वी प्लस अब यार जल्दी से एक चीज बताना जल्दी से एक चीज बताना अगर अगर मुझे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पता है चंपा अगर मुझे डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता है की वैल्यू पता है अगर मैं इसको मेजर कर लू यस yes, मैंने यहां स्केल लगाया स्केल की हेल्प से ये स्मॉल एच की वैल्यू मैंने मेजर कर ली और किसी तरीके से अगर मैं pv pv को भी ऑब्जर्व कर लू कि पीवी की वैल्यू क्या है तो क्या मैं पी लोकल कैलकुलेट कर सकता हूं बिल्कुल कर सकता हूँ यही है आपका बैरोमीटर का अरेंजमेंट यही है आपका बैरोमीटर का अरेंजमेंट यस दिस इज़ द द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ़ बैरोमीटर अगर किसी तरीके से देखो डेंसिटी मुझे पता है जी की वैल्यू मुझे पता है किसी तरीके से अगर मैं एच को मेजर कर लू और पीवी की वैल्यू मुझे पता चल जाए तो मैं पी ए लोकल मेजर कर लूंगा दिस इज दिस इज योर बैरोमीटर मैं पी ए लोकल कैलकुलेट कर लूंगा अब ध्यान से सुनना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में आपको पी के बारे में दे देता हूं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेपर प्रेजर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेपर प्रेजर देखो सबसे पहली चीज गिवन लिक्विड के लिए जो वेपर प्रेजर होता है दैट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल टी टेम्परेचर अगर टेम्परेचर चेंज होगा लिक्विड का तो उसका वेपर प्रेजर भी चेंज हो जाएगा एंड एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेजर आल्सो इंक्रीजेस कहने का मतलब है कहने का मतलब है ये जो पीवी की वैल्यू है वो लिक्विड टू लिक्विड वैरी करती है और किसी गिवन लिक्विड के लिए भी टेम्परेचर के साथ वैरी करती है अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो पीवी की वैल्यू बढ़ जाएगी अब देखो जब टॉरिस अली साहब ने इस बैरोमीटर की खोज करी जब टॉरिस अली साहब ने इस अरे क्या ही तो झमाझम जम बैरोमीटर है अरे बाबा क्या ही तो झम जम बाबा जब बैरो साहब ने इस बैरोमीटर की खोज करी तो टॉरिस अली साहब ने चंपू को तो फोन किया चंपा चंपा बोल तू कहां रहता है चंपू तू बता अपने घर का एड्रेस बता तू रह, रहता कहां है मैं तेरे घर का यस मैं आ रहा हूं तेरे घर टॉरिस अली साहब ने चंपू को कॉल किया चंपू तू रहता कहां है मैं तेरे घर आ रहा हूं मैं तेरे घर का लोकल एटमोस्फरिक प्रेजर मेजर करके बताता हूँ टॉरिसेली साहब गए अपना ये बैरोमीटर कंधे पे रखे यस ये जो कंटेनर है कंटेनर कंधे पे रखा और पहुंच गए चंपू के घर चंपू के घर पहुंचे चंपू को बोला चंपू ये एच मेजर कर चंपू ने एच मेजर किया हर्मोमीटर निकाला टॉरिस साहब ने अच्छा थर्मामीटर कितना 25 डिग्री सेल्सियस टेबल देखी अच्छा इस लिक्विड का 25 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर कितना है अच्छा इतना है चंपू को तुरंत कैलकुलेट करके पीएटीएम लोकल बता दे चंपू एकदम सॉक्ड सॉरी चलिए साहब मजा ही आ गया क्या ही तो खोज की है आपने क्या ही तो खोज की है चंपू सैल्यूट है आपको सॉरी चलिए साहब ने बोला कहीं और भी मेजर करना है किसी और का भी लोकल एटमोस्फ्रिक प्रेशर किसी और लोकेशन का भी लोकल एटमोस्फ्रिक प्रेशर मेजर करना है चंपू ने बोला सोचा पहले चंपू ने सोचा क्या बोलू क्या बोलू चंपू हाँ 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 हा, करना है करना है, लेकिन मैं ये आपको कल बताता हूं आप आज आराम करो चंपू ने चंपी को फोन लगाया चंपा एक बहुत बड़ी खोज करी है मैंने खोज है टोरेसिली साहब की चंपू बोल रहा है चंपे बहुत बड़ी खोज करी है मैंने चंपी ने बोला क्या खोज लिया चंपू चंपू बोलता है मैं ना तेरे घर आ रहा हूं कल तेरे घर का क्या लोकल एटमोस्फिर प्रेजर है मैं बता दूंगा चंपी एकदम हैरान चंपू कब से साइंटिस्ट बन गया ये चंपू कब से साइंटिस्ट बन गया अगले दिन चंपू ने बोला कि देखो टॉरेसाली अली साहब एक जगह की लोकेशन एक जगह की लोकेशन है लेकिन एक शर्त है वहां पे लोकल एटमोसफिर मेजर करने जाएंगे लेकिन एक शर्त है आप वहां कुछ बोलोगे नहीं बस सुनते जाओगे मुंह से कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि वहां पे अगर कोई बाहर का आदमी बोलता है तो उसको पाप लगता है, है? पाप लगता है बिल्कुल नहीं बोलूंगा अगले दिन चंपू टॉरिस अली साहब को लेकर पहुंच गया चंपी के घर बोलता है चंपी मैंने ये बैरोमीटर खोज की है चंपी बोले आ मेरा चंपू साइंटिस्ट चंपू देख अभी अभी के अभी अभी के अभी तो ये बताता हूं लोकल कितना है तेरे यहाँ का ये 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 मेरा असिस्टेंट है ये मेरा असिस्टेंट टॉरिस साहब को बोल रहा है ये मेरा असिस्टेंट है इसकी इसको मैंने बैरोमीटर उठाने के लिए रखा है अब टॉरिस साहब के कंधे पे बैरोमीटर चम्पी के घर पहुंचे पीएटीएम लोकल लग रहा है चंपी के घर का झमा झम ज्यम तरीके से एच की रेडिंग मेजर करी टॉरिस अली साहब की जेब से चंपू ने थर्मोमीटर निकाला टेम्परेचर देखा फिर बोलता है ए असिस्टेंट ए असिस्टेंट ए असिस्टेंट बताओ इस टेम्परेचर पे पीवी कितना है मुझे चंपी को पी लोकल बताना है ओ माय गॉड ओ माय गॉड एक प्रॉब्लम हो गई रे बाबा वो जो किस टेम्परेचर पे कितना वेपर प्रेजर होगा वो तो टॉरेस अली साहब घर ही भूल गए चंपू के घर में ही छूट गया अब चंपू के घर में अगर वो टेबल छूट गई तो पीवी का कहां से वैल्यू मिलेगी ओ माई गॉड पूरा जितना चंपू ने इंप्रेजेंट बनाया था चंपे के सामने सब गुड़गोवर हो गया अरे बाबा पी एटीएम लोकल की रीडिंग नहीं मिली चंपी ने लात मार के ये साइंटिस्ट है ये साइंटिस्ट है चंपी ने चंपू को लात मारी चंपू ने टॉरिस अली साहब को लात मारी टॉरिस अली साहब एकदम गुस्से में इस पीवी ने इस पीवी ने इस पीवी ने मेरा मजाक उड़वाया है रे बाबा इस पीवी की वजह से मैं शर्मसार हो गया हूं रे बाबा इस पीवी को मैं खत्म कर दूंगा ली साहब ने दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात तमाम एक्सपेरिमेंट किए लिक्विड चेंज किया वाटर लिया एथेनॉल लिया क्या नहीं लिया तमाम लिक्विड लेते चले गए ग्लाइकॉल ले लिया ग्लिसरीन ले लिया सब कुछ ले लिया दिन रात एक्सपेरिमेंट इस पीवी को या तो मैं जीरो ऐसा लिक्विड यूज करूंगा जिसकी वैल्यू जीरो हो नहीं मिल रहा है लिक्विड ऐसा कोई जिसकी वैल्यू जीरो हो फाइनली 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 आखिर वो घड़ी आई आखिर वो घड़ी आई जब टॉरिस अली साहब की मेहनत सफल हुई टॉरिस अली साहब को फाइनली एक लिक्विड ऐसा मिल गया जिसका वेपर प्रजर्भ जीरो तो नहीं है लेकिन बहुत कम है इतना कम है कि हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और उस लिक्विड का नाम था मरकरी इस लिक्विड का नाम क्या था मरकरी तो याद रखना याद रखना टॉरिसली साहब को कैसे पता चला टॉरिसली साहब को कैसे पता चला कि भाई मरकरी यूज करना है वो जब चंपी वाला एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हुआ तब जाके टॉरिसली साहब को पता चला जब चंपी के यहां की रीडिंग वो नहीं बता पाए टीवी की वैल्यू ना होने की वजह से तब जाके उनको समझ में आया कि यार कुछ तो ऐसा लिक्विड यूज करना पड़ेगा जिसका वेपर प्रेजर जीरो हो या बहुत कम हो तो जीरो वाला तो नहीं मिला बट फाइनली ऐसा लिक्विड जरूर मिल गया जिसका वेपर प्रेजर बहुत कम है बहुत कम है बहुत मतलब बहुत कम है नेग्लिजिबल आप नेग्लेक्ट कर सकते हो तो ध्यान से सुनना बेटा तुरंत तुरंत टॉरिस साहब ने लिक्विड भरा मरकुरी लिक्विड भरा मरकुरी ये देखो ये मरकुरी है ना रेड कलर से मरकुरी दिखा रहा हूं रेड कलर से आपको मरकुरी दिखा रहा हूं लिक्विड भरा रे बाबा मरकुरी और पहुंच गए चंपी के घर और पहुंच गए चंपी के घर यस yes, ये जो रेड कलर से दिखा रहा हूं दिस इज

तो अब मैंने खोज लिया है अब मैं बताऊंगा कि आपके यहाँ का लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है उन्होंने कंधे से बैरोमीटर उतारा और चंपी को तुरंत बोला मैडम क्या आप मुझे हेल्प कर सकती हैं क्या आप इस एच को मेजर कर सकती हैं चंपी ने बोला जी हाँ बिल्कुल मेजर कर सकती हूँ हां बिल्कुल मेजर कर सकती हूं तो प्लीज आप बताइए व्हाट इज द रीडिंग रीडिंग उन्होंने बताई स्मॉल एच यस हांस सुन लेना बेटा फॉर मरकुरी फॉर मरकुरी जो पी वी है इज वेरी स्मॉल आपको नंबर्स का फील दे दूं क्या आपको नंबर्स का फील दे दूं पॉइंट वन सिक्स पासकल पॉइंट वन सिक्स पासकल एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस है ना तो ये जो पीवी है ये जो पीवी है ये मरकुरी के लिए बहुत 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 कम है तो टॉरेस साहब ने बोला कि चंपू तो नहीं बता पाया आपको आपके यहाँ का पीएटीएम लोकल क्या है मैं ही बता देता हूं और टॉरेस अली साहब ने बोला आपके यहाँ का पीएटीएम लोकल है डेंसिटी ऑफ मरकुरी इंटू जी इंटू स्मॉल एच चंपी क्या ही तो इंप्रेस हो गई चंपी क्या ही तो ये ये समझ में ना ये कैसा है बेटा ये समझ में आ गया ना अरे रीडिंग क्या थी रीडिंग ये थी ना P प्लस एक्चुअल में तो ये होना चाहिए डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इनटू जी इनटू स्मॉल एच लेकिन क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है मैंने आपको बता दिया है कि दिस कैन बी नेग्लेक्टेड क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम है इक्वल टू रो एम जी एच अब यहां पर जब भी जैसे ही जो लिक्विड है वो मर्क्यूरी हुआ अब बस अब बस एक ही काम करना है अब बस एक ही काम करना है ये स्मॉल एच की रीडिंग लेनी है जैसे स्मॉल एच की रीडिंग हमको मिल गई जैसे स्मॉल एच की रीडिंग हमको मिल गई रो एम जी से मल्टीप्लाई कर दो पी ए टीम लोकल मिल जाएगा आर यू गेटिंग आर यू गेटिंग बेटा बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है सबको एवरी वन इज अ क्रिस्टल टिल हेयर

पीवी चेंज होता है आपको पूरी टेबल की रिक्वायरमेंट है तो टॉरिक्सले साहब ने बोला मैं एक ऐसा लिक्विड ढूंढूंगा मैं एक ऐसा लिक्विड ढूंढूंगा जिसका वेपर प्रेशर या तो जीरो होगा या फिर नेग्लिजिबल होगा तो फाइनली फाइनली उन्होंने एक ऐसा लिक्विड ढूंढ ही लिया जिसका वेपर प्रेशर क्या है नेग्लिजिबल और वो लिक्विड क्या है वो लिक्विड है मरकरी अब ध्यान से सुनना बेटा इंटरव्यूज में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वाई मरकुरी इज यूज इन बैरोमीटर बैरोमीटर में मरकुरी क्यों यूज करते हैं जैसे ही बोला बैरोमीटर में मरकुरी क्यों यूज करते हैं 99% स्टूडेंट्स आंसर करेंगे मरकुरी की डेंसिटी वेरी हाई होती है इसलिए करते हैं वो भी रीजन है मैं ये नहीं बोल रहा कि वो रीजन नहीं है लेकिन नौकरी चाहिए ना बार्क में नौकरी चाहिए ना इसरो में नौकरी चाहिए ना आईआईटी बॉम्बे में पहुंचना है ना आई बेंगलोर में पहुंचना है ना अरे कम टू द मेन पॉइंट कम टू की पॉइंट

टॉरिसेली साहब ने जब टॉरिसेली साहब ने चंपी को इंप्रेस कर दिया तो अब टॉरिसेली साहब का कॉन्फिडेंस हो गया बहुत हाई सातवें आसमान को छू गया उन्होंने बोला अब तो मैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मेजर करके दिखा दूंगा अब तो मैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मेजर करके दिखा दूंगा देखो उन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूं ध्यान से देखना उन्होंने क्या किया वो इस बैरोमीटर को लेकर पहुंच गए वो इस बैरोमीटर को लेकर पहुंच गए पता है कहां सी लेवल पर सी लेवल पर यस इस बैरोमीटर को लेकर पहुंच गए सी लेवल पर जहां पर टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस यस इस बैरोमीटर लेकर पहुंच गए लेवल एयर के पास यहां पे टेम्परेचर कितना है टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस अब जल्दी से मुझे बताना बेटा अगर अगर इस बैरोमीटर पर यहां से जो प्रेजर लग रहा है एयर का वो सी लेवल एयर का लग रहा है जो कि 15 डिग्री सेल्सियस पे है तो क्या मैं बोल सकता हूं अब जो अब जो पी ए टी एम लोकल होगा अब ये जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेजर होगा इट इज नो मोर लोकल अब ये तो स्टैंडर्ड का प्रेजर है ना ये तो स्टैंडर्ड इन्वाटल कंडीशन का प्रेजर है ना ये तो स्टैंडर्ड इन्वायमेंटल मास का प्रेजर है ना तो क्या मैं बोल सकता हूं इट विल बी नाउ पी ए टी एम स्टैंडर्ड ए टीएम स्टैंडर्ड पी ए टी एम स्टैंडर्ड और जबरिस ने इस एच को मेजर किया सी लेवल एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस के लिए तो ये देखा ये जो स्मॉल एच आ रहा है ये आ रहा है 76 सेंटीमीटर तुरंत टॉरिस साहब ने बोला क्या बोला स्टैंडर्ड एटमोस्फ्रिक प्रेजर इज इक्वल टू सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ मर्खुरी कॉलम ये जो सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर मर्खुरी का कॉलम जितना भी प्रेजर एक्सर्ट कर रहा होगा वही है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेजर वही है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेजर

यहां पर अगर प्रेजर पीएटीएम स्टैंडर्ड है तो यहां पर भी प्रेजर क्या होगा पीएटीएम स्टैंडर्ड ही तो होगा अरे बाबा तो हंड्रेड परसेंट पीएटीएम स्टैंडर्ड इज इक्वल टू तो सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ मरकुरी अगर मैं एमएम में, में लिखना चाहूं तो एमएम में, में भी लिख सकता हूं पीएटीएम स्टैंडर्ड इज इक्वल टू तो सेवन सिक्सटी mm एम एम ऑफ एच जी यहां तक क्लैरिटी है कि किस तरीके से किस तरीके से हमारे पास आ रहा है स्टैंडर्ड एटमोस्फिर किस तरीके से हमारे पास आ रहा है स्टैंडर्ड ईच एंड एवरीवन इज क्रिस्टल क्लियर टलियर अगर यहां तक क्लियर हो गए तो पूरी चटवा से लाल हो जाए बाबा किस तरीके से कॉन्सेप्ट तो हो रहे हैं पहले मैंने आपको बताया कि बैरोमीटर का, का काम क्या है फिर उसका कंस्ट्रक्शन बताया फिर मैंने आपको बताया कि ये पीवी प्रॉब्लम है फिर मैंने आपको बताया कि इस पीवी को नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं और फिर मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड एटमोस प्रेजर इज इक्वल टू सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ मर्कुरी चलो इसको कन्वर्ट करते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं देखो पी ए टी एम स्टैंडर्ड इज इक्वल टू सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ मर्कुरी इसको अगर मैं पास्कल में कन्वर्ट करना चाहूं तो कर सकता हूं कैसे करूंगा पी ए स्टैंडर्ड इज इक्वल टू व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी एट फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस थर्टीन थाउजेंड फाइव नाइन फाइव रो रो मैं लिख देता हूं रो एम डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू एच एच कितना आया है सेवेंटी सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करूंगा जीरो मीटर पी ए टी एम स्टैंडर्ड वन थ्री फाइव नाइन ये हो गई डेंसिटी एट 15 डिग्री सेल्सियस मरकुरी के लिए की एग्जैक्ट वैल्यू लेता हूं पॉइंट नाइन एट जीरो सेवन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू जीरो पॉइंट सेवन सिक्स बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पी ए टी एम स्टैंडर्ड जो आएगा वो आएगा वन जीरो वन थ्री टू फाइव पास्कल दिस विल बी योर पीएटीएम स्टैंडर्ड यार मैं इसको क्या किलो पास्कल में भी लिख सकता हूं क्या मैं इसको किलो पास्कल में भी लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं किलो पास्कल में क्या होगा थाउजेंड से डिवाइड कर दो ना रे बाबा चंपो पीछे ही लिख देता हूं थाउजेंड से डिवाइड कर दो ना रे बाबा चंपा चंपा आ रहा थाउजेंड से डिवाइड करेगा अरे बाबा थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वन जीरो वन पॉइंट थ्री टू फाइव किलो पासकल तो यस पी ए टी एम स्टैंडर्ड इज इक्वल टू वन नॉट वन पॉइंट थ्री टू फाइव किलो पासकल क्या मैं बार में भी लिख सकता हूं क्या मैं बार में भी लिख सकता हूं बार में भी लिख सकता हूं टेन टू पावर फाइव से डिवाइड कर दो वन टू थ्री फोर फाइव ओ माय गॉड पी ए टी एम स्टैंडर्ड इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो वन थ्री टू फाइव बार अब यार देखना एक चीज सुनना ज़रा ध्यान से कई बार चीज इंटरव्यू में पूछ ली जाती है देखो जनरली इस इसको देखकर ऐसा, तो ऐसा भी बोल सकता हूं ऑलमोस्ट इक्वल टू वन बार ऑलमोस्ट इक्वल टू वन बार यस बिल्कुल सही है लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो और एक अच्छे इंटरव्यू में जा रहे हो तो वो पूछ लेते हैं कि बताओ भाई स्टैंडर्ड एटमोस्फरिक प्रेजर और वन बार में किसकी वैल्यू ज्यादा है तो जरा देखते हैं आप लोग बता पाते हो कि नहीं जल्दी से बताओ स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड वैल्यू ज्यादा है अरे ये तो कोई अंधा भी बता देगा अरे बाबा ये तो कोई अंधा भी बता देगा अरे बाबा वन पॉइंट जीरो वन थ्री टू फाइव बार इज ग्रेटर देन देन बार बार ना ना ग्रेटर तो हंड्रेड परसेंट स्टैंडर्ड एटमोस्ट्रिक प्रेजर स्टैंडर्ड एटमोस्ट्रिक प्रेजर इज ग्रेटर देन वन बार अब ध्यान से सुनना अगर कोई मुझे पूछे अगर कोई मुझे पूछे कि भाई स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक या फिर एटमॉस्फेरिक प्रस्फर मर्कुरी कॉलम में कितनी डेप्थ के इक्वल होता है तो मैं बोलूंगा सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ के इक्वल होता है सिमिलरली क्या वो वाटर के कॉलम में भी पूछ सकता है क्या वो वाटर के कॉलम में भी पूछ सकता है मेरे से कोई मैंने मर्कुरी के कॉलम में बता दिया सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ मर्कुरी क्या वो वाटर के कॉलम में भी पूछ सकता है इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम यस मैं चाहू तो वाटर कॉलम के टर्म्स में भी लिख सकता हूं यार देखो ध्यान से बड़े ध्यान से सुनना मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम में कैसे कन्वर्ट करते हैं रो वन एच वन टू रो टू एच बताया था मैंने बताया था लास्ट क्लास में मैंने बताया था रो वन एच वन इक्वल टू रो टू एच तो यहां से एच आप निकाल सकते हो कैसे निकाल सकते हो रो वन बाय रो टू इंटू स्मॉल एच ये जो मेरा केस है इस केस में आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई जो रो वन है डेंसिटी ऑफ मर्करी एट 15 डिग्री सेल्सियस मेरे पास कितनी है वन थ्री फाइव नाइन फाइव केजी पर मीटर क्यूब हैच वन कितना है सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ना पॉइंट सेवेंटी सिक्स मीटर रोटू मुझे वाटर के कॉलम में चाहिए तो मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन के लिए मैं रोटू को थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब ले रहा हूं चाहो तो आप नंबर ले सकते हो एनी वेज कितना वैल्यू ऑफ स्मॉल एस टू वी आर गेटिंग स्मॉल एस टू इज इक्वल टू रो वन वन थ्री फाइव नाइन फाइव डिवाइडेड बाय उाउजेंड इंटू स्मॉल एच वन जीरो पॉइंट से स्मॉल एच टू कितना रहा है जल्दी से बताओ स्मॉल एच टू की वैल्यू कितनी आ रही है एनवन इन क्लास कैन टेल मी वट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल मीटर में बताओ मीटर में बताओ टेन पॉइंट थ्री थ्री के आसपास आ रही होगी टेन पॉइंट थ्री थ्री के आसपास आ रही होगी बेटा टेन पॉइंट थ्री थ्री के आसपास आ रही है क्या यानी कि क्या आपको समझ में आ रहा है यानी कि क्या आपको समझ में आ रहा है पी ए टी एम स्टैंडर्ड इज इक्वल टू टेन पॉइंट थ्री थ्री मीटर ऑफ वाटर कॉलम 10.33 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली आ रहा है यानी कि क्या आपको यह फील आ रहा है अगर अक्टोरिस अली भैया चंपी को इंप्रेस करने के लिए मरकुरी की जगह पानी भरकर गए होते नहीं सी लेवल एयर एटमोस स्टैंडर्ड एटमोस्फ्रिक प्रेजर को मेजर करने के लिए yes, यस कंपी को तो इंप्रेस कर ही चुके हैं अब तो वो गए थे उनका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच गया था अब तो वो गए थे स्टैंडर्ड एटमोस्फ्रिक प्रेजर को मेजर करने के लिए तो अगर टोरेसिली भैया स्टैंडर्ड एटमोस्फ्रिक प्रेजर को मेजर करने के लिए मरकुरी की जगह पानी भरकर गए होते तो, ये समझ पा रहे हो मेरा हाथ भी उस ऊंचाइयों को नहीं छू बाबा। इस ऊंचाई पर रीडिंग आएगी 10.33 ऑफ कोर्स ये जो 10.33 मीटर मैं बोल रहा हूं यहां पर मैंने एक अजम्पशन लिया है नेगलेक्टिंग पीवी है ना? नागलेक्टिंग पीवी क्योंकि भाई वाटर का वाटर का कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा ना नेग्लेक्टिंग पीवी ऑफ वाटर बात समझ में आ रही अरे ये कहां लिख दिया मैंने नेग्लेक्टिंग पीवी ऑफ वाटर क्टिंग पी वी ऑफ वाटर अरे भाई मरकुरी का ही तो वेपर प्रेजर नेग्लिजिबल है वाटर का वेपर प्रेजर नेग्लिजिबल थोड़ी ना है तो ये जो 10.33 मैंने बोला है आपको नेग्लेक्टिंग पी वी ऑफ वाटर है अच्छा सुनो 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 एक और चीज एक और चीज क्या आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि मान लो सर हम पी भी पी भी वेपर प्रेजर ऑफ वाटर भी इंक्लूड कर लें अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ ये जो 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम मैंने बताया स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेजर की वैल्यू ये मैंने तब बताई जब हमने पी ऑफ वाटर हमने नेगलेक्ट कर दिया लाइक like हमने मरकुरी के लिए किया था मुझे सिर्फ एक चीज बताना अगर मैं पी को भी इंक्लूड कर लेता अगर मैं पी को भी इंक्लूड कर लेता मान लो पीवी की जो भी वैल्यू है वाटर के लिए अरे वाटर के लिए कुछ तो पीवी की वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैं सी लेवल एयर के पास हूं, 15 डिग्री सेल्सियस पर हूं तो उस 15 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के वेपर्स का कुछ तो प्रेजर होगा पीवी का कुछ तो वैल्यू होगी अगर मैं उसको भी इंक्लूड कर लू बस मैं ये जानना चाह रहा आपको क्या लगता है ये जो वैल्यू आएगी 10.33 मीटर जो वो एच की वैल्यू आएगी टेन पॉइंट थ्री थ्री मीटर वाटर के लिए वो टेन पॉइंट थ्री थ्री मीटर से कम आएगी या ज्यादा आएगी जो एच की वैल्यू आएगी देखो जब हमने पीवी को नेग्लेक्ट कर दिया तो मेरी कैलकुलेशन बोल रही है जब हमने पीवी को नेगेलेक्ट कर दिया तो मेरी कैलकुलेशन बोल रही है कि जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट मस्ट बी इक्वल टू 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम यानी कि अगर मैं पीवी को नेग्लेक्ट कर दूं तो वो जो एच की वैल्यू आएगी वो 10.33 मीटर आएगी मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं पीवी को भी ले लूं अगर मैं पीवी को भी ले लू अगर मैं रियलिटी में जो पीवी की वैल्यू है वो ले लू कंसिडर कर लूं तो ये जो स्मॉल एच आएगा कम कमाएगा ज्यादा आएगा हंड्रेड परसेंट कमाएगा और अगर मैं थोड़ा सा एक नंबर आपकी नॉलेज के लिए आपके दिमाग में डाल दू तो वन एटीएमएम लेस आता है, है ना एनी वेज टेन पॉइंट थ्री थ्री ओके okay है कोई प्रॉब्लम नहीं है आप ध्यान से सुनना बेटा मैंने इतनी बार आपको बताया कि आपको यह चीज समझ में आई बैरोमीटर किसने दिया था बैरोमीटर किसने दिया था बैरोमीटर दिया था टॉर्रिस साहब ने और इन्होंने इतना खतरनाक काम किया ना बोले मैं मर जाऊंगा चंपी मुझे भूल जाएगी तो मैं काम करता हूं अपने नाम पर एक यूनिट बना देता हूं प्रजर की तो टॉरेस अली साहब के नाम पर टॉरेस अली के ऑनर पर एक यूनिट है जिसको बोला जाता है टॉर अब ये टॉर क्या है यह भी समझ लो अब ये टॉर क्या है ये भी समझ लो जब इतना सब कुछ समझ लिया है तो ये भी समझ लो वन टॉर इज Mm mm so, आपसे पूछू स्टैंडर्ड एटमोस्फ्रिक प्रेजर में कितने टॉर होंगे एनी वन इन द्लास कैन टेल मी स्टैंडर्ड एटमोस्फ्रिक प्रेजर में कितने टॉर होंगे जल्दी से बताओ अरे स्टैंडर्ड एटमोस्फ्रिक प्रेजर में होता है ना, तो 100 standard atmospheric pressure में, standard atmospheric pressure में क्या मैं बोल सकता हूं फटाफट फड़ से कंफर्म करो स्टैंडर्ड क्या प्रेजर 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ अच्छा, मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है एक टॉर में कितने पास्कल होंगे और यह खतरनाक क्वेश्चन है ये खतरनाक क्वेश्चन है एक टॉर में कितने पास्कल होंगे देखो अभी अभी मुझे पता चला कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 760 टॉर होते हैं और इसी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वन जीरो वन थ्री टू फाइव पासकल होते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से आ रहा है वन टॉर इज इक्वल टू वन जीरो टू फाइव डिवाइडेड बाय चंपा डिवाइडेड बाय क्या बायन सिक्स जल्दी से बताओ सॉल्व करके कितना बेटा एक टॉर में कितने पास्कल आ रहे हैं और ये इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है तब भोंदू राम नहीं बनेंगे तब फटाफट से आंसर करेंगे कितना रहा है फटाफट से बताओ पाटा पार्टी बताएंगे रे बाबा एक टॉर में कितने पास्कल होते हैं वन थर्टी थ्री वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री टू पास्कल जीला बेटा पूरी क्लैरिटी है पूरी क्लैरिटी है नीरज फटाफट से देखो बेटा पूरी क्लैरिटी है आपको पूरी क्लैरिटी है तो बेटा ये पूरा डिस्कशन हमने किया है बैरोमीटर को लेकर पूरा डिस्कशन किया है बैरोमीटर को लेकर फटाफट से देखना पहले हमने देखा कि बैरोमीटर होता क्या है फिर उसका फिजिकल अरेंजमेंट समझा। ओ माय गॉड ब्यूटी। वट आ ब्यूटी ब्यूटी। फिर हमने देखा स्टैंडर्ड एटमोस्फिर क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। 76 सिक्स सेंटीमीटर ऑफ मरपुरी एम एम ऑफ एच जी जीरो मीटर ऑफ वाटर कॉलम वन सिक्सटी टॉर अरे बाबा अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा नीरज आंसर करना बेटा नीरज फटाफट से आंसर करना बेटा सपोज मेरा बच्चा नीरज है मेरा बच्चा नीरज है नीरज क्या बोल रहा है सर आई एम ए प्लस स्टूडेंट लव यू सर सर प्लस पे कब स्टार्ट होगा फ्लिड पढ़ना नीरज को मेरे से ही है रे बाबा पता है उसको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा पढ़ना है नीरज को मेरे से ही नीरज ध्यान से देखना बेटा ये है बैरोमीटर मरपरी लाल कलर की लबा लब लबालब लबा, लब, लबा लब, लब भरी है मान लो यहां मैंने यस yes. यहां मैंने ऑब्जर्व किया कि नीरज ने होल ड्रिल कर दिया है ध्यान से सुनना यहां तक मरकरी भरी हुई है मैंने ऑब्जर्व किया नीरज मेरा बच्चा है इसने यहां पर होल ड्रिल कर दिया है अब अगर मेरे बच्चे नीरज ने यहां पर होल ड्रिल कर दिया है कहां पे ड्रिल किया है उस हिस्से में ट्यूब के उस हिस्से में ड्रिल किया है जहां पर वेपर है मरकरी की तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन वट विल हैप्पन टू दिस हाइट ऑफ द मरकुरी ये डिक्रीज होकर यहाँ कहीं हो जाएगी या इनक्रीज होकर उस होल तक पहुंच जाएगी या कुछ और होगा क्या होगा रे बाबा या फिर जहां पर या फिर जहां पर मरकुरी का लेवल था वहीं पर ही रहने वाली है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट तन में बोल रहे वहीं पर ही रहेगी ज्ञान प्रकाश कोई प्रॉब्लम लेटा सेमेस्टर पे फोकस कर लो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन ये है कि मान लो मैं अगर यहाँ पर होल ड्रिल करूँ ट्यूब के उस वाले हिस्से में होल ड्रिल करूँ जहाँ पर वेपर है तो इस मरकुरी के लेवल का क्या होगा ये डिक्रीज होकर क्या यही यहाँ कहीं नीचे थोड़ा नीचे आ जाएगी या इंक्रीज होकर यहां पर हमने होल ड्रिल किया था वहां तक पहुंच जाएगी रिमेन सेम या फिर कुछ और होगा देखो ध्यान से तन्मय, तन्मय ऑब्जर्व ऑब्जर्व जैसे ही चलो मैं बना ही देता हूं दोबारा से डायग्राम कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे नेगी सोल्जर्स के लिए मैं दोबारा से बना ही देता हूं डायग्राम माई गॉड ध्यान से देखना बेटा ध्यान से देखना अगर मैंने अगर मैंने यहां पर होल ड्रिल किया ध्यान से देखना बेटा एक झम ज्यम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं एक झम ज्यम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं मान लो मैंने यहां पर होल ड्रिल कर लिया ये देखो ये होल ड्रिल हो गया यहां पर होल ड्रिल हो गया और अगर यहां पर होल ड्रिल हो गया तो क्या मैं बोल दूं? यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर अंदर चली जाएगी और अगर एटमॉस्फेरिक एयर अंदर चली जाएगी तो अब यहां पर प्रेशर कितना लग रहा होगा पीएटीएम लोकल लग रहा होगा अब ध्यान से देखना ध्यान से देखना बेटा

प्लस रो एम जी स्मॉल एच अब देखो पी टू है पी लोकल के इक्वल इसमें किसी को डाउट है ही नहीं और जैसे ही मैंने होल ड्रिल किया अब ये पी थ्री तो पहले पी था लेकिन अब ये पी थ्री भी किसके इक्वल हो गया पी थ्री भी इक्वल हो गया पी ए टी एम लोकल के रो एम जी स्मॉल एच तुरंत समझ में आ रहा होगा ये तो कोई अंधा भी बता देगा पी एटीएम लोकल पी एटीएम लोकल इज गेटिंग स्वाहा तो यार रो एम जी स्मॉल एच इज शून्य रो एम शून्य हो नहीं सकता जी शून्य हो ही नहीं सकता तो स्मॉल एच को शून्य होना पड़ेगा और अगर स्मॉल एच को शून्य होना पड़ेगा तो क्या होगा आपको समझ में आ रहा है ये मरकुरी नीचे नीचे आते आते इस तरीके से आ जाएगी कि भाई स्मॉल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉल एच की वैल्यू हो जाएगी रे बाबा क्लियर हेयर इंटरव्यूज में पूछा जाता है बार्क के इंटरव्यू में जाओगे इसरो के इंटरव्यू में जाओगे आईआईटी बॉम्बे के इंटरव्यू में जाओगे आईसी सी बैंगलोर के इंटरव्यू में जाओगे वो बोलेंगे बैरोमीटर फ्लूइड मैकेनिक्स इज योर फेवरेट सब्जेक्ट बैरोमीटर में ये जो ऊपर में वेपर वाला हिस्सा है इस ग्लास ट्यूब का वहां होल ड्रिल करो अब बताओ स्मॉल एच का क्या होगा आपको बोलना है स्मॉल एच की वैल्यू शून्य होगी जो भी मरकुरी यहां भरा था सब कंटेनर में आ जाएगा स्मॉल एच विल बी शून्य यार अगर ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखो राइट टू अंडरस्टैंड एम क्या है एम समझ में आ रहा है एम क्या एम है थर्टी फाइव आउट ऑफ थर्टी फाइव लास्ट ईयर अन अकेडमी प्लस पर वन फोर्टी फाइव आर्स प्लस फोर्टी आर्स का एक्स बी वाला वन एटी फाइव आर्स और इस वाले कोर्स में तो मैं झमाझम क्वेश्चंस करवा रहा हूं इतने क्वेश्चंस करवा रहा हूं कि उसके बाद आपको खुद से कुछ करना ही नहीं है चैप्टर नंबर वन में इतने सारे क्वेश्चन करवाए चैप्टर टू में इतने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए हैं अभी और भी करवाऊंगा तो बेटा ये जो कोर्स है ये हिस्टोरिकल कोर्स होने वाला है कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको कोई भी बुक नहीं देखनी है कुछ भी नहीं देखना है ये ऐसी लाइफ लॉन्ग प्ले बन जाएगी कि जिसको भी फ्लूड मैकेनिक्स में कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट है वो आके यहाँ देखेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं यहां से करेगा किसी बुक को छूने की जरूरत ही नहीं है चैट बॉक्स लाल कर दो बॉक्स लाल कर दो तो फिर आगे चलते हैं ये है ये है लेवल और ये पढ़ा भी वही पाएगा जिसको पता है जिसको आता है जिसको लिमिटेड चीजें पता होंगी तो वो उतना डिटेल में नहीं पढ़ा पाएंगे ना जिनको लिमिटेड चीजें पता होंगी वो उतना डिटेल में नहीं पढ़ा पाएंगे है ना तो डिटेल में पढ़ाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है हर कोई नहीं पढ़ा सकता डिटेल में आपने देखा होगा आपने देखा होगा कुछ लोग सत्तर अस्सी घंटे में फ्लूड मैकेनिक्स खत्म कर देंगे रे बाबा तो जब किसी के पास कंटेंट होता है उतना डिलीवर करने के लिए तभी तो वो डिटेल में पढ़ा पाता है हाँ एक बच्चा बोल रहा है सू तो सर आई एम योर प्लस स्टूडेंट ऐसा फ्लूड मैकेनिक्स और इतने डिटेल में कभी नहीं पढ़ा बहुत बढ़िया और देखो मैं एम बता रहा हूं फिलहाल मैकेनिकल इसका एम नहीं है मैकेनिकल में तो इजी पीजी लॉमन क्वेश्चन आते हैं मैकेनिकल तो वैसे कर लोगे इस कोर्स को पढ़ के इस कोर्स का एम सबको क्लियर है ना इस कोर्स का एम क्या है एम है एक्सी बी में एक्सी बी फ्लूड मैकेनिकाइव आउट ऑफ थर्टी फाइव है ना इस कोर्स का एम सबको क्लियर है ना एक्सी बी में थर्टी फाइव आउट ऑफ थर्टी फाइव मैकेनिकल का कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूं मैकेनिकल तो इजी पीजी लेमन स्क्वीज जाता है छह आठ नंबर का आएगा आप कर लोगे प्रॉब्लम तब होती है जब पोटेंशियल फ्लो का क्वेश्चन आता है पोटेंशियल तब प्रॉब्लम uh, तब होती है जब रिनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम का क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम तब होती है जब एग्जैक्ट सॉल्यूशंस पे क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम तब होती है जब ड्रैग लिफ्ट से क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम तब होती है जब बाउंड्री लेयर थ्योरी से क्वेश्चन आता है बाउंड्री लेयर थ्योरी लगभग चालीस घंटा पढ़ाऊंगा हर वैरायटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा चलो ना एक न्यूमेरिकल करो फटाफट से एम एस क्यू है रे बाबा एम एस क्यू है रे बाबा विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट ज आर करेक्ट रिगार्डिंग स्टैंडर्ड एटमोस्फ्रिक प्रेजर रिगार्डिंग स्टैंडर्ड एटमोस्फ्रिक प्रेजर से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? यार ए वाला तो सही लग रहा है जल्दी से बताओ कितने लोगों को ए वाला सही लग रहा है बेटा जितने भी लोगों को ए वाला सही लग रहा है यही आपकी कहानी खत्म हो गई यही आपकी कहानी खत्म हो गई स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 एमएम ऑफ एचजी 1 टॉर इज इक्वल टू 1 एमएम ऑफ एचजी ए वाला गलत है रे बाबा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 0.76 मीटर ऑफ मरकरी हैविंग डेंसिटी 135 95 केजी पर मीटर क्यों ये तो हमने अभी देखा था ये तो सही है ये तो सही है बी वाला तो सही है बी वाला तो सही है सी वाला सी वाला यार देखो सी वाला अभी मैंने आपको बताया है ये हमने देखा ना अभी तो देखा है 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम अच्छा चाहे तो आप इसको ऐसे भी देख सकते थे देखो मैं एक और तरीका बताता हूं कितने कितनी डेप्थ कितना कॉलम हमको रिक्वायर्ड होगा वाटर का टू पी एटीएम स्टैंडर्ड इसको चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हो अगर आप वाटर के लिए निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो और वाटर water... कैसे लिखोगे मुझे निकालना है कि कितना डेप्थ ऑफ वाटर कितना कॉलम ऑफ वाटर स्टैंडर्ड एटमोसफिर प्रेर एक्सर्ट करेगा तो पी ए टी एम स्टैंडर्ड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ़ वाटर है ना तो यहाँ से भी निकाल सकते थे एच ऑफ वाटर इज इक्वल टू पी ए टी एम स्टैंडर्ड वन जीरो वन थ्री टू फाइव है ना डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब जी नाइन पॉइंट एट जीरो सेवन जल्दी से बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एच ऑफ वाटर यू आर गेटिंग स्मॉल एच ऑफ वाटर कितना रहा है इसको सॉल्व करके कितना रहा है जल्दी से बताओ स्मॉल एच ऑफ वाटर कितना आ रहा है मीटर में आएगा मीटर में आएगा यस वेरी गुड तो यार मैंने क्रॉस चेक कर लिया है और क्रॉस चेक करके मुझे समझ में आ गया कि ये भी सही है है ना टी वाला भी सही है वाला भी सही है डी वाला बताओ पी एटीएम स्टैंडर्ड इज इक्वल टू एट पॉइंट टू मीटर ऑफ ग्लिस जीरो के जी पर मीटर की ये भी क्रॉस चेक कर लेते हैं ये भी क्रॉस चेक कर लेते हैं ग्लिसरीन के लिए भी क्रॉस चेक कर लेते हैं अभी के अभी अभी के अभी ग्लिसरेन क्या आएगा एच ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू वन जीरो वन थ्री टू फाइव डिवाइडेड बाय 1260 9.807 थोड़ा सा एक्यूरेट ले रहा हूं कोई 9.81 लेगा तो भी चलो ठीक है व्हाट इज द वैल्यू वी आर गेटिंग फॉर ग्लिसरीन 8.2 के आसपास ही आ रहा है है ना 8.199 मीटर एट पॉइंट वन नाइन नाइन मीटर दिस इज फॉर ग्लिसरीन, तो क्या मैं बोल दू डी वाला भी सही है बिल्कुल डी वाला भी सही है तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी कॉमा सी इस क्वेश्चन का आंसर है देखो बी भी सही है सी भी सही है डी भी सही है इस क्वेश्चन का आंसर है बी कॉमा सी कॉमा डी फटाफट से बताओ ये चीज सबको क्लियर है बी सी डी सतेंद्र एक्सेलेंट अरे बाबा कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर एटीडी और हीट ट्रांसफर भी ई ट्रांसफर भी पढ़ा देना बेटा मैं आपको बता दूं अगले महीने से मेरी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और कंटिन्यूसली चार पाँच महीने ऑफलाइन क्लासेस रहेंगी ये चीज़ अच्छा ये चीज़ आपको पता है ना कि अन अकेडमी का ऑफलाइन सेंटर भी है गेट एंड ई के लिए जो अभी डेली में चल रहा है है ना तो यस अगले महीने से मेरी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग रहेगी चार पाँच महीना कंटिन्यूस है ना तो मैं टाइम निकाल के आप लोगों को करवाऊंगा डोंट वरी ठीक है चलो अगर ये चीज क्लियर है तो आगे चले बैरोमीटर खत्म हो गया कितने लोग रेडी है मैनोमीटर के लिए बैरोमीटर खत्म हो चुका है कितने लोग रेडी हैं मैनोमीटर के लिए मैनोमीटर रेजर मेजरमेंट यार देखो मैनोमीटर होता क्या ये चीज आपको आइडिया है मैनोमीटर मैनोमीटर में हम लोग क्या करते हैं कोई लिक्विड के कॉलम की हेल्प से गेज प्रेजर या फिर प्रेजर डिफरेंस मेजर करते हैं तो मैनोमीटर में विद द हेल्प ऑफ कॉलम कॉलम मतलब लेंथ बोल दो कॉलम ऑफ सुटेबल फ्लूइड मैनोमीटर में हम लोग क्या करते हैं विद हेल्प ऑफ कॉलम ऑफ सुटेबल फ्लूइड बी मेजर मेजर आइदर गेज प्रेजर और वैक्यूम प्रेजर हम लोग या तो गेज प्रेजर मेजर करते हैं वैक्यूम मेजर वैक्यूम प्रेजर मेजर करते हैं है ना और या फिर प्रेजर डिफरेंस मेजर करते हैं पी वन माइनस पी टू या फिर आप बोल दो पी टू माइनस पी वन तो जो मैनोमीटर है मैनोमीटर में देखो दो दो तरीके दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं मैनोमीटर को मैनोमीटर में हम लोग क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉलम ऑफ द सुटेबल फ्लूड आइदर वी विल बी मेजरिंग गेज और पी वैक्यूम और वी विल बी मेजरिंग द प्रेजर डिफरेंस एट टू पॉइंट ऐसे मैनोमीटर जो कि गेज प्रेजर या वैक्यूम प्रेजर को मेजर करने के लिए यूज होंगे उनको हम बोलते हैं सिंपल मैनोमीटर ऐसे मैनोमीटर जिनकी हेल्प से हम लोग गेस प्रेजर या वैक्यूम प्रेजर मेजर करेंगे उनको बोलते हैं सिंपल मैनोमीटर और ऐसे मैनोमीटर जिनकी हेल्प से हम प्रेशर डिफरेंस मेजर करेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स उनको बोलते हैं डिफरेंसियल मैनोमीटर उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर तो एक एक करके सिंपल मैनोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और जब ये डिस्कशन खत्म हो जाएगा तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा ठीक है फटाफट से मेजर फटाफट से नोट डाउन करो मैनोमीटर आर डिवाइसेस ये देखो टाइपिंग एरर डिवाइसेस इन विच कॉलम ऑफ सूटेबल फ्लूइड इज यूज्ड टू मेजर सुटेबल फ्लूइड इज यूज्ड टू मेजर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेजर डिफरेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लोकल एटमोस्फिर प्रेजर उनको बोला जाएगा सिंपल मैनोमीटर डिफरेंस बिटवीन अ टू पॉइंट उनको बोला जाएगा डिफरसिटर फटाफट से नोट डाउन कर बेटा फाटाफाटी नोट डाउन करेंगे डन डन उसके बाद फिर मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनाकर दिखाता हूं कि सिंपल मैनोमीटर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं यस नागेश मैनोमीटर आर द डिवाइसेस इन विच कॉलम ऑफ अ सुटेबल फ्लूइड इज यूज टू मेजर आईदर द प्रेजर डिफरेंस एंड लोकल एटमोस प्रेजर जो कि बेसिकली हो गया सेन डन 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 डना डन डन हाबा तो बेटा ध्यान से सुनना अब हम लोग एंटर कर रहे हैं मैनोमीटर की दुनिया में अब हम लोग एंटर कर रहे हैं मैनोमीटर की दुनिया में रे बाबा तो इस मैनोमीटर की दुनिया को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं ओहो हो। इस मैनोमीटर की दुनिया को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं बाबा पहला पहला सिंपल मैनोमीटर पहला सिंपल मैनोमीटर दूसरा फ्रांसियल

जब P2 P1 से ज्यादा होगा है ना अब देखो सिंपल मैनोमीटर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से सुनना सिंपल मैनोमीटर में हम डिस्कस करेंगे तीन चीजें एक तो डिस्कस करेंगे पीजोमीटर पहला डिस्कशन होगा पीजोमीटर का दूसरा डिस्कशन होगा यूट्यूब मैनोमीटर का जो तीसरा डिस्कशन होगा वो होगा सिंगल कॉलम मैनोमीटर का सिंगल कॉलम मैनोमीटर का सिंगल कॉलम मैनोमीटर में मैं दो वैरायटी डिस्कस करूंगा पहला वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर दूसरा इनक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर यहां तक क्लैरिटी है डिफरेंशियल मैनोमीटर में मैं दो वैरायटी डिस्कस करूंगा यहां पर मैं दो वैरायटी डिस्कस करूंगा अरे बाबा डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या क्या पहला इधर की तरफ लिख रहा हूं यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का दूसरा इन्वर्टेड इन्वर्टेड यूट्यूब टिफ्रेंसियल मैनोमीटर का यहां तक क्लैरिटी है बेटा यहां तक क्लैरिटी है तो टोटल पांच चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पहला पीजोमीटर टोटल पांच चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पहला पीजोमीटर दूसरा यूट्यूब मैनोमीटर तीसरा सिंगल कॉलम मैनोमीटर यहां पे वर्टिकल इंक्लाइंट था यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और पांचवा इनवर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर तो स्टार्ट करें आज कोशिश करेंगे पिजोमीटर खत्म कर दें आज कोशिश करेंगे पिजोमीटर खत्म कर दें और यूट्यूब मैनोमीटर खत्म कर दें आज इन दोनों को कवर कर लेते हैं आज कोशिश करते हैं कि ये दोनों कवर हो जाएं और नेक्स्ट क्लास में बाकी तीनों कवर करने की कोशिश करेंगे तो अगर आप लोग रेडी हैं तो मैं पीजोमीटर का डिस्कशन स्टार्ट करूंगा लेकिन इससे पहले कि मैं पीजोमीटर का डिस्कशन स्टार्ट करूं मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाह रहा हूं भाई अगर अभी तक आपने नेगीटन टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ये क्यू कोड है नेगीटन टेलीग्राम चैनल का यहीं पर ही आपको मेरी सारी क्लासेस के लिंक्स मिलते हैं यहीं पर ही आपको मेरी क्लासेस से रिलेटेड पी मिलती है बहुत सारा कंटेंट मैं टाइम टू टाइम डालता रहता हूं रिसेंटली अगर आपने देखा होगा चार तारीख को जैसे ही आई जम्मू का एम का रिटर्न एग्जाम हुआ था तो मैंने उस रिटर्न एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसका पीडीएफ नेगेटन टेलीग्राम चैनल में डाल दिया था तो ये बहुत क्रिटिकल चीजें हैं जो आपको फ्यूचर में रिक्वायर्ड होंगी कभी आप आई जम्मू का रिटर्न एग्जाम के लिए बैठोगे तो आपको पता रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं है ना यार मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं यस वी आर स्टार्टिंग द न्यू ऑल स्टार बैच फ्रॉम ट्वेल्थ ऑफ मे और जब मैं ऑल स्टार बैच बोलता हूँ तो मतलब हर एडुकेटर अपने आप में स्टार है रे बाबा ये स्टार एडुकेटर से भरी टीम है जो कि आपको ऑल स्टार बैच में पढ़ाने वाली है मैं भी पढ़ाने वाला हूँ फिलहाल अभी ऑल स्टार बैच में दो सब्जेक्ट चलने वाले हैं जो बैच डी स्टार्ट हो रहा है बारह मई से उसमें फ्लूड मैकेनिक्स और मेटल फार्मिंग चलने वाला है तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है जितने भी मेरे नेगी सोल्जर्स हैं इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और सुनहरा मौका इसीलिए है क्योंकि इस टाइम पर एक ऑफर चल रहा है जो कि वैलिड है सेवंथ ऑफ मे तक इस ऑफर में क्या है इस ऑफर में है आपको जैसे ही आप नेगेटन लगाकर अन प्लस ज्वाइन करते हो अैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो प्लस के सब्सक्रिप्शन में आपको आइकॉनिक वाली फैसिलिटी मिल रही है फॉर एग्जाम्पल प्लस के सब्सक्रिप्शन में ही आपको प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हैं जिनकी मार्केट में लगभग दस हजार से ज्यादा हो सकता है वर्थ हो तो यार ये एब्सोल्युटली फ्री मिल रहे हैं प्लस के सब्सक्रिप्शन में थर्टी फाइव के गेट के पीवाई क्यूज मिल रहे हैं और मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपको गेट के सॉल्व करने हैं तो दस पंद्रह साल के सॉल्व करके पीवाफ नहीं बनना है पूरे पैंतीस अवेलेबल है एंड अफकोर्स एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल मैथड की अप्रोच है बीस दिन के अंदर अंदर आपको ये मिल जाएगी इसके साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ तो मिल ही रही है अभी इस ऑफर में प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ भी आपको मिल रही है यह फैसिलिटी कोड एक ही है नेगी चलो बात करते हैं की इन द क्लास कैन कैन टेल टेल मी इन द क्लास मी किसी ने पीजोमीटर देखा है पीजोमीटर कैसा दिखता है रे बाबा पीजोमीटर कैसा दिखता है रे बाबा पीजोमीटर बेटा एक सिंपल ग्लास का ट्यूब एक सिंपल ग्लास का ट्यूब ले लो एक सिंपल ग्लास की ट्यूब ले लो यही है पीजोमीटर यस yes. एक सिंपल ग्लास की ट्यूब ले लो विच इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स यही है यही है पीजोमीटर यस दिस ग्लास ट्यूब विच इज ओपन फ्रॉम बोथ एंडस दिस ग्लास ट्यूब दिस ग्लास ट्यूब विच इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड विल बी बिहेविंग एजोमीटर देख लो इसका ये वाला एंड भी ओपन है और ये वाला एंड भी ओपन है तो ऐसी ग्लास ट्यूब जिसके दोनों एंड ओपन रहेंगे जिसके दोनों एंड ओपन रहेंगे वो ग्लास ट्यूब बिहेव करेगी एज ए पिजोमीटर कैसे सर ध्यान से सुनना बेटा कैसे मैं बताऊंगा लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा अगर दोनों एंड ओपन है तो एक एंड तो कनेक्ट किया जा सकता है उस हिस्से से जहां पर हमें प्रेजर मेजर करना है एंड दूसरे हिस्से से लोकल लग रहा होगा है ना तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई पीजोमीटर दिखता कैसे है तो बोल देना सर इट इज जस्ट लाइक अ ग्लास ट्यूब विच इज ओपन फ्रॉम द बोथ एंड्स जो एक हिस्सा होता है जिस लोकेशन का हमें प्रेजर मेजर करना है उस लोकेशन के साथ कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा ओपन एटमोस्फियर को ओपन रहता है ठीक है यहां तक क्लैरिटी है यहां तक क्लैरिटी है सबको अब देखो किस तरीके से हम पीजोमीटर की हेल्प से किस तरीके से हम पीजोमीटर की हेल्प से गेज प्रेजर मेजर करते हैं एक बार देख लेते हैं देखो सपोज दिस इज द पाइप सपोज दिस इज द पाइप थ्रू विच सम फ्लूड इज फ्लोइंग सपोज दिस इज द पाइप, थ्रू विच सम फ्लूड इज फ्लोइंग और मान लो ये जो फ्लूड फ्लो हो रहा है इसकी कुछ डेंसिटी है लेट अस सपोज डेंसिटी इज रो एफ अब मुझे ना ध्यान से सुनना बेटा अब मुझे ना क्या करना है मुझे पिजोमीटर कनेक्ट करना है तो ध्यान से सुनना मैंने क्या किया एक होल ड्रिल किया देखो मुझे पीजोमीटर कनेक्ट करना है गेज प्रेजर मेजर करने के लिए मैंने एक होल ड्रिल किया मैंने इसे टॉप पार्ट में एक होल ड्रिल किया और इस टॉप पार्ट से इस ग्लास ट्यूब को कनेक्ट कर दिया आपको दिख रहा होगा ये करना है, उससे हो गया। दूसरा हिस्सा ओपन टू तो एटमोसफियर है, दूसरा हिस्सा ओपन तो है। कोर्स ये हिस्सा जो भी फ्लूड फ्लो कर रहा होगा हो इस ग्लास ट्यूब के अंदर आ जाएगा मुझे ग्लास ट्यूब की रीडिंग मिल जाएगी और मैं इस फ्ल्यूड का प्रेजर मेजर कर पाऊंगा जो इस पाइप के अंदर फ्लो कर रहा होगा सर, क्या कंपलसरी है कि मैं टॉप से ही कनेक्ट करूं? नहीं रे बाबा चंपू। अगर आप चाहो तो बॉटम से भी कनेक्ट कर सकते हो इफ यू वॉन्ट यू कनेक्ट यू कैन कनेक्ट फ्रॉम द बॉटम ऑल्सो बॉटम में होल ड्रिल किया बॉटम में होल ड्रिल किया एक कनेक्टर लिया दिस इज कनेक्टर एक कनेक्टर लिया एक कनेक्टर लिया दिस इज द कनेक्टर और अब इस कनेक्टर से ये जो मेरी ग्लास की ट्यूब थी उसको कनेक्ट कर दिया यस हंड्रेड परसेंट ये जो ग्लास ट्यूब है इसके अंदर जो भी फ्लुइड फ्लो हो रहा है वो आ जाएगा मुझे उसकी रीडिंग मिल जाएगी हंड्रेड परसेंट आई विल बी एबल टू मेजर दिस इज ओपन टू एटमोसफेयर यहाँ से पी ए टी एम प्रेजर लग रहा होगा क्या मैं साइड से कनेक्ट कर सकता हूं बिल्कुल चंपू तो साइड से भी कनेक्ट कर सकता है अरे बाबा चंपू को साइड से कनेक्ट करवाना है करना है चंपू को साइड से भी कनेक्ट करवा देंगे चंपू को हम साइड से भी कनेक्ट करवा देंगे ये देखो चंपू को हमने साइड से भी कनेक्ट करवा दिया चंपू को हमने साइड से भी कनेक्ट करवा दिया ध्यान से देखना बेटा ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो यस दिस इज द ग्लास ट्यूब इसको मैंने कनेक्टर से कनेक्ट कर दिया ऑफ कोर्स तरीके से झमा ओ हो 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 यस yes, ये जो फ्लूड फ्लो हो रहा होगा पाइप में वो इस ग्लास ट्यूब के अंदर आ जाएगा मुझे रीडिंग मिल जाएगी मैं इस फ्लूड का प्रेजर मेजर कर लूंगा तो यार ध्यान से सुनना पिजोमीटर को आप ऊपर लगाओ नीचे से कनेक्ट करो साइड से कनेक्ट करो जहां से कनेक्ट करना है वहां से कनेक्ट करो इस ग्लास ट्यूब को जहां से से कनेक्ट कनेक्ट करना है वहां से कनेक्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना अब मैं इतना डिटेल में क्यों गया चाहता तो एक डायग्राम बनाकर छोड़ देता लोग ऐसा ही तो करते हैं एक डायग्राम बनाकर छोड़ देते हैं बता दिया ये है पिजोमीटर लेकिन मैंने इतना डिटेल में क्यों बताया इसलिए बताया कि आपको जो कनेक्ट करना है इस तरीके से कनेक्ट करना है कि जिस भी डायरेक्शन में फ्लूड फ्लो हो रहा है आपको उसके नॉर्मल ये जो ट्यूब का होल है ना ये जो ग्लास ट्यूब का होल है है ना वो इस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए पाइप पर कि जो ट्यूब हो डैट मस्ट बी नॉर्मल टू द फ्लुइड फ्लो डायरेक्शन मान लो अगर देखो अगर फ्लूइड फ्लो ध्यान से सुनना बेटा अगर फ्लूइड फ्लो इस तरीके से हो रहा है तो अगर मैं वर्टिकल कनेक्ट करूंगा टॉप से कनेक्ट करूंगा तो क्या आपको समझ में आ रहा है फ्लूइड फ्लो इस तरीके से हो रहा है होल मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया है पाइप में ये जो वेलोसिटी है फ्लूइड फ्लो की उसका कोई भी कंपोनेंट मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में ये जो कनेक्शन की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट लूं तो वो जीरो आएगा याद रखना आपको ग्लास ट्यूब इस तरीके से कनेक्ट करना है कि वो नॉर्मल नॉर्मल टू द नॉर्मल टू द वेलोसिटी डायरेक्शन हो ये बात क्लियर है अगर यहां से फ्लूइड

काम करेगा और तभी ये अरेंजमेंट होता है पीजोमीटर का फ्यूचर में एक और चीज डिस्कस करूंगा जिसको बोलते हैं पिटॉ ट्यूब वहां पे कॉन्सेप्ट अलग होता है वहां पे कॉन्सेप्ट अलग होता है ये क्लैरिटी है सबको ये क्लैरिटी है सबको कि अगर मुझे मेक श्योर करना है कि ये जो ग्लास ट्यूब है जो कि ओपन है बोथ एंड से जो कि ओपन है बोथ एंड से वो पिजोमीटर की तरह बिहेव करे वो पिजोमीटर का काम करे तो किस तरीके से इस ग्लास का एंड मुझे पाइप में कनेक्ट करना है इस ग्लास का एंड मुझे पाइप में कनेक्ट करना है आपको समझ में आ चुका है मैं फिर इसका डिस्कशन लेकर आऊंगा जब पिटॉट ट्यूब का डिस्कशन करूंगा ट्यूब में अलग तरीके से अरेंज करते हैं पता चलेगा रे बाबा मैं आपसे पूछ ही लेता हूं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया मैं पूछ ही लेता हूं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया देखो ये पाइप है दिस इज द पाइप फ्लूड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन आपकी तरफ फ्लूड फ्लो हो रही है अगर मैं इस ग्लास ट्यूब को इस तरीके से कनेक्ट करूं, इस तरीके से कनेक्ट करूं, ऊपर से कनेक्ट करूं तो इसका ये जो ग्लास ट्यूब का क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है ना वो सर्कुलर है अब जल्दी से मुझे बताना क्या आपको लगता है कि वेलोसिटी तो इस तरीके से है वेलोसिटी वेक्टर, तो इस तरीके तो इस तरीके से रहा है व्हाट विल बी वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन वट विट ऑफिटीन इन दिस डायरेक्शन में सुन्निया है, तो मतलब इस, इस ग्लास ट्यूब में जिसको मैं पीजोमीटर की तरह बिहेव करवाना चाह रहा हूं, क्या इसके अंदर जो फ्लूड भरेगा वो केवल और केवल प्रेजर की वजह से भरेगा प्रेजर एनर्जी की वजह से भरेगा नेटिक एनर्जी की वजह से नहीं भरेगा अरे इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो शून्य है तो दर लिक्विड फ्लूइड राइज इन दिस ग्लास ट्यूब विल बी बिकॉज़ ऑफ ओनली एंड ओनली प्रेजर एनर्जी विल बी बिकॉज ऑफ ओनली प्रेजर और यही तो आपको करना है ना प्रेजर मेजरमेंट कर रहे हो ना बात समझ में आ रही है नाउ यू आर गेटिंग नाउ यू आर गेटिंग अगर मैं नीचे से कनेक्ट करूंगा तो अगेन कंपोनेंट ऑफ़ वेलोसिटी इन दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी साइड से कहीं भी कनेक्ट कर लो क्लियर है बेटा सबको क्लियर है सबको चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं सपोज 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 ये ग्लास ट्यूब जो कि पिजोमीटर की तरह बिहेव कर रही है इसको मैंने कनेक्ट किया टॉप से एंड जब मैंने कनेक्ट किया टॉप से तो लेट अस सपोज इस ग्लास ट्यूब में लेट अस सपोज इस ग्लास ट्यूब में लिक्विड इस ग्लास ट्यूब में प्लीड आया यहाँ तक प्लीड आया यहाँ तक मुझे सिर्फ एक ही चीज बताना अगर मैं बॉटम से कनेक्ट करूंगा अगर मैं बॉटम से कनेक्ट करूंगा एनी वन इन क्लास कैन टेल मी कहा तक फ्लूड भरेगा कहां तक फ्लूड भरेगा कहां तक फ्लूड भरेगा जल्दी से बताओ सेम लेवल तक भरेगा सेम लेवल तक भरेगा ऐसा क्यों मैं बताऊंगा डोंट वरी सेम लेवल तक भरेगा मैं साइड से भी कनेक्ट करूं। यस। yes. सेम लेवल तक आएगा सेम लेवल तक आएगा यहाँ से पीएटीएम लोकल लग रहा है यहाँ से भी पीएटीएम लोकल लग रहा है एंड यहाँ से भी पीएटीएम लोकल लग रहा है आप ऊपर से कनेक्ट करो नीचे से कनेक्ट करो कहीं से भी कनेक्ट करो अगर ये स्मॉल एच है तो ये भी स्मॉल एच होगी और ये भी स्मॉल एच होगी रे बाबा देर इज अर इज नो डाउट है ना अब क्वेश्चन उठता है है? क्यों? क्यों अरे ध्यान से देखो ना, ये हो क्यों रहा इन दिस ग्लास ट्यू बिकॉज ऑफ प्रेजर तो भाई अगर प्रेजर पी है प्रेजर पी है, प्रेजर पी है, प्रेजर पी है तो इक्वेशन क्या होगी इक्वेशन यही थी होगी P इज इक्वल टू पी ए टी एम लोकल प्लस डेंसिटी ऑफ द फ्लू इंटू जी इंटू एच तो अगर हर पाइप के अंदर सेम फ्लूड फ्लो हो रहा है सेम प्रेजर पर फ्लो हो रहा है पी एटीएम लोकल सेम है तो हाइट भी तो सेम होनी चाहिए फ्रॉम द सेंटर हाइट भी तो सेम होनी चाहिए फ्रॉम द सेंटर बात समझ में आ गई तो सेम लेवल ऑफ फ्लूड विल राइज इन ऑल द ग्लास ट्यूब्स चाहे आप टॉप से कनेक्ट करो बॉटम से कनेक्ट करो या फिर साइड से कनेक्ट करो यहां तक क्लैरिटी है अब देखो यार क्या बोला मैंने क्या बोला P इज इक्वल टू पी ए लोकल प्लस डेंसिटी ऑफ द फ्ल्यूड G इंटू एच कितने लोगों को आ रहा है ये तो मैंने ये तो मैंने स्टैटिक स्टैटिक ये तो मैंने परफेक्ट इनकंप्रेसिबल फ्लूड के लिए डराइव किया था ना ये तो मैंने स्टैटिक परफेक्ट फ्लूड के लिए डराइव किया था ना अब मैं अभी आपको एक इनपुट दे रहा हूं फ्यूचर में मैं इसको डराइव करके दिखाऊंगा फ्यूचर में मैं इसको डराइव करके दिखाऊंगा क्या इनपुट दे रहा हूं ध्यान से सुनना अगर मेरे पास कोई परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल आज से पहले कभी नहीं सोचा होगा ना आज से पहले कभी नहीं सोचा होगा पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू रो जी एच पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू रो जी एच ये तो हमने परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूड जो स्टैटिक है उसके लिए डराइव किया था तो फिर मैनोमीटर में तो फ्लूड पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा होता है तो उसके लिए कैसे यूज कर लेते हैं इनपुट दे रहा हूं अगर मेरे पास परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूड का मतलब हो गया ऐसा लिक्विड जिसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट है और ये परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूड इज अ फ्लोइंग थ्रू यूनिफॉर्म डायमीटर यूनिफॉर्म डायमीटर और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप तो इस केस में जो प्रेजर का वेरिएशन होता है वो एग्जैक्टली सेम एज स्टैटिक फ्लूड होता है एग्जैक्टली सेम एज स्टैटिक फ्लूड होता है मतलब स्टैटिक फ्लूड के लिए जो पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू रो जी स्मॉल एच हमने डेराइव किया था सेम वही फार्मूला हम यहां पर भी लगा सकते हैं बट कंडीशन क्या है आपका जो पाइप हो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म डायमीटर का होना चाहिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होना चाहिए ऐसा क्यों होता है मैं पूरा डराइव करके बताऊंगा अगर ये चीज समझ में आ गई तो यार चैटबॉक्स लाल हो जाए रे बाबा अगर ये चीज समझ में आ चुकी है तो चैटबॉक्स लाल हो जाए रे बाबा यार फटाफट से ब्रीफ करता हूं फटाफट से ब्रीफ करता हूं मैंने क्या बताया आपको मैं डिस्कशन कर रहा था सिंपल मैनोमीटर का उसमें मैंने पहला जो डिस्कशन स्टार्ट किया मैंने स्टार्ट किया पिजोमीटर का मैंने आपसे पूछा कि भाई क्या होता है तो आपने बोला सर पिजोमीटर इज द सिंपल ग्लास ट्यूब विच इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड ये एक सिंपल ग्लास ट्यूब है जो कि दोनों एंड से ओपन होती है एक एंड हम कनेक्ट कर देते हैं जहां पर भी हमें प्रेजर मेजर करना है एंड अनदर एंड विल बी ओपन टू एटमोसफियर अब मैंने आपको ये जो ग्लास ट्यूब है ये जो पिजोमीटर है ये कनेक्ट करके दिखाया तो पहले मैंने टॉप से कनेक्ट किया फिर मैंने बॉटम से कनेक्ट किया फिर मैंने साइड से कनेक्ट किया फिर मैंने साइड से कनेक्ट किया तो आप चाहे टॉप से कनेक्ट करो चाहे बॉटम से कनेक्ट करो या फिर साइड से कनेक्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है रीज़न क्या है रीज़न ये है कि जो भी जो भी वेलोसिटी फ्लूड फ्लो की वेलोसिटी का डायरेक्शन है आपने उसके नॉर्मल डायरेक्शन में कनेक्ट किया है तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन विल तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और जो भी फ्लूड का राइज होगा वो केवल और केवल केवल और केवल, केवल किसकी वजह से होगा प्रेजर की वजह से होगा कानीटिक एनर्जी की वजह से नहीं होगा नेटिक एनर्जी की वजह से राइज हम करवाएंगे पिटॉट ट्यूब में फिर वहां कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी बताऊंगा तो ये आपको समझ में आ गया बेटा ये आपको समझ में आया यहां तक क्लैरिटी है तो so, यस yes. ये है पाइप जिसके थ्रू फ्लूड फ्लो कर रहा है यह है पाइप जिसके थ्रू फ्लूड फ्लो कर रहा है लेट सपोज फ्लूड इज अ फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन फ्लूड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है so yes, मैं चाहूं, मैं चाहूं तो यस मैं मैं तो फिजोमीटर को यहां कनेक्ट कर सकता हूं टॉप में टॉप में कनेक्ट करूंगा तो एंगल 90 डिग्री होगा तो यहां पर जो भी राइज होगा वो हंड्रेड परसेंट किसकी वजह से होगा वो हंड्रेड परसेंट प्रेजर की वजह से होगा मैं चाहूँ तो विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर मैं बॉटम से कनेक्ट कर सकता हूं है ना बात समझ में आ रही बेटा क्लैरिटी है चाहूँ तो मैं साइड से कनेक्ट कर ही सकता हूं अब सबको क्लियर है लक्स सबको क्लैरिटी है बेटा एवरी वन इज अ क्रिस्टल क्लियर एवरी वन इज अ क्रिस्टल क्लियर फटाफट से कंफर्म कर दो चलो आपके लिए मैंने डायग्राम थोड़ा सा और सही कर दिया मजा 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 चलो अब मुझे एक चीज बताना बेटा क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है जो फ्लूड फ्लो हो रहा था उसका प्रेजर पी था पीएटीएम लोकल लग रहा था तो हंड्रेड परसेंट मैंने जो डिस्कशन किया है ये वैलिड है भाई इस ग्लास ट्यूब में अगर राइज हो रहा है तो ये तभी होगा जब पी ग्रेटर चलो अब मैं बताता हूं कि भाई इस पीजोमीटर की हेल्प से हम लोग गेज प्रेजर कैसे मेजर करते हैं फटाफट से देख लो क्या मैं बोल सकता हूं फॉर पी ग्रेटर देन पी atm लोकल ध्यान से देखना बेटा सपोज दिस इज अ पॉइंट वन यहां पर प्रदर पी है सपोज दिस इज अ पॉइंट टू यहां पर प्रदर पी एटीएम लोकल है तो क्या मैं बोल सकता हूं एक काम करो यहां पे पॉइंट वन ले लो यहां पे पॉइंट टू ले लो तो क्या मैं बोल सकता हूं पी टू माइनस पी वन विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूड इंटू जी इंटू स्मॉल एच तो क्या मैं बोल सकता हूं पी टू इज द प्रेजर ऑफ द फ्लोइंग फ्लूड पी वन इज अ पी ए टी एम लोकल इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ फ्लू इनटू जी इनटू स्मॉल एच जल्दी से बताना बेटा टी माइनस पी लोकल क्या होगा होगा ना तो so क्या मैं बोल प्रेजर ऑफ द फ्लू इज इक्वल टू रो एफ डी एच देख रहे हो कितना ईजिली कितना ईजिली हमको कितना आसानी से हमको गेज प्रेजर मिल रहा है इतना आसानी से हमको गेज प्रेजर मिल रहा है कुछ नहीं करना डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूड आपको पता है जी आपको पता है आपने ग्लास ट्यूब कनेक्ट किया जो भी हाइट आई फ्लूड के राइज की आपने वो मेजर कर लिया आपको रो जी एच आपको गेज प्रेजर मिल गया बहुत इजी है बहुत ही इजी है आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेजर द गेज प्रेजर विद्प ऑफ पिजोमीटर आर यू एवल टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेजर हाउ टू मेजर द गेज प्रेजर विद द हेल्प ऑफर लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम है कुछ कुछ प्रॉब्लम है कुछ कुछ अरे बहुत बढ़िया बहुत ईजी है अरे बाबा बहुत ईजी है टू मेजर द गेज प्रेजर विद द हेल्प ऑफ टू मैजर द गेज प्रेजर इज अ वेरी 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 इजी सुपर इजी बस कुछ नहीं करना यार होल्ड्रिल करो होल ड्रिल करो इस तरीके से होल ड्रिल करो कि वेलॉसिटी के कंपोनेंट की वजह से फ्लूड का राइज ना हो यानी कि आपको कनेक्ट करना है नॉर्मल टू द वेलोसिटी डायरेक्शन डेट्स इट अब चाहे वो ऊपर करो नीचे करो साइड से करो कहीं से भी करो दूसरी चीज दूसरी चीज आपने ऑब्जर्व किया सुपर इजी है रो एफ मुझे पता है जी मुझे पता है स्मॉल एच जस्ट स्मॉल एच मेजर करो आपको पीजी मिल जाएगा गैस प्रेजर मिल जाएगा बट देर आर फ्यू ड्रॉबैक्स देर आर फ्यू ड्रॉबैक्स अगर 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 जो फ्लोइंग फ्लूड है वो गैस हुई तो अगर फ्लोइंग फ्लूड है वो गैस हुई तो क्या होगा बेटा अगर फ्लोइंग फ्लूड गैस होगी तो भाई जैसे ही आपने जैसे ही आपने ये ग्लास ट्यूब विच इज ओपन टू एटमॉस्फेयर फ्रॉम दिस एंड कनेक्ट की एस्केप हो जाएगी बाहर निकल जाएगी तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है अगर फ्लूड गैस है अगर फ्लूड गैस है देन यू कैन नॉट यूज अ क्योंकि उसका दूसरा एंड तो मुझे ओपन टू एटमोस्फियर रखना है ना तो गैस का प्रेजर आप मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ पिजोमीटर इट हैज टू बी लिक्विड ओनली बात समझ में आ गई तो यार पहली प्रॉब्लम ये आई कि वी कैन नॉट मेजर द प्रेजर ऑफ गैस विद द हेल्प ऑफ फिजोमीटर दूसरा यस yes. लिक्विड का ही कर सकते हैं गैस का नहीं कर सकते लिक्विड का ही पिजोमीटर तभी काम करेगा जब जो फ्लोइंग फ्लूड है वो लिक्विड हो गैस तो बाहर निकल जाएगी दूसरा आपने ये जो बोला, आपने ये ये जो जो बोला, बोला कि फ्लूड का लेवल यहां तक आ रहा है फ्लूड का लेवल यहां तक आ रहा है का लेवल यहां तक आ रहा, ये तभी तो बोला वेन पी इज ग्रेटर लोकल अगर इसका उल्टा हो अगर इसका उल्टा हो कहने का मतलब है अगर पी ए टी एम लोकल इज ग्रेटर फिर ऐसा तो पी इज लेस देन पी ए टी एम लोकल अगर p इज लेस देन पी atm लोकल तो आपको समझ में आ गया होगा मैं बात कर रहा हूं वैक्यूम प्रेजर की क्या होगा अरे समझ में आ रहा है यहां पर तो अभी जो मैंने डायग्राम बनाया अभी जो मैंने केस लिया वो ये लिया कि ये जो पी है ये पीएटीएम लोकल से ज्यादा है तो हंड्रेड जो फ्लूड है वो बाहर निकला और ग्लास ट्यूब में किसी हाइट तक जाकर रुक गया अगर अगर एटीएम लोकल ज्यादा होता और पी कम होता तो तब क्या होता यहां से हवा पाइप के अंदर फ्लुइड का कुछ लेवल ही नजर नहीं आता यस yes, कहने का मतलब है कहने का मतलब है पिजोमीटर कैन नॉट यूज्ड टू मेजर द वैक्यूम प्रेशर इट कैन नॉट वर्क इफ प्रेशर ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इज लेस देन पीएटीएम लोकल और फ्लूइड तो लिक्विड ही होना चाहिए ना यानी कि ये केवल और केवल तब काम करेगी जब पी इज ग्रेटर देन पी लोकल, मुझे गेज लोकल मेजर करना है तभी पीजोमीटर काम करेगा अदरवाइज पीजोमीटर प्रॉब्लम आ रही है एक और प्रॉब्लम आ रही है ध्यान से देखना प्रॉब्लम ये आ रही है देखो गेज प्रेजर का फॉर्मूला क्या आया है पीजी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्ल्यूड इंटू स्म एच यहाँ से स्मॉल एच क्या रीडिंग मिलेगी मुझे पी जी बाय इंटू जी है ना अब मान लो गेस प्रेजर बहुत ज्यादा है मतलब जो फ्लोइंग फ्लूड है बेसिकली लिक्विड उसका प्रेजर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोकल एटमोसफिर प्रेजर तो अगर ये अगर ये हाई है यार जल्दी से बताओ अगर ये हाई है तो क्या होगा क्या मैं बोल सकता हूं जो एच की वैल्यू है जो एच की वैल्यू है स्मॉल एच की वैल्यू है वो ज्यादा होगी लार्ज होगी और एच की वैल्यू लार्ज होगी तो मतलब क्या अरे रो एफ तो कांस्टेंट है की भी कांस्टेंट है अगर मान लो मैं प्रेजर ऑफ द लिक्विड हायर साइड हायर साइड हायर साइड में जाऊं मैं ऐसे फ्लोइंग लिक्विड का फ्लोइंगेजर मेजर करने की कोशिश करूं जिसका प्रेजर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लोकल, जिसका पीजी बहुत ज्यादा है तो स्मॉल एच भी ज्यादा होगा ना और अगर स्मॉल एच ज्यादा होगा तो मतलब आई नीड लार्ज लेंथ पीजोमीटर लार्ज लेंथ पीजोमीटर यार आधा मीटर एक मीटर समझ में आता है मान लो पीजी इतना ज्यादा हो गया कि लेंथ आ रही है पचास मीटर तो यार पचास मीटर का ग्लास ट्यूब लगाऊंगा क्या मैं ये ये जो ग्लास ट्यूब है ये जो ग्लास ट्यूब है ये मैं पचास मीटर का लेकर आऊंगा क्या यानी कि एक और ड्रॉबैक है ड्रॉबैक क्या है ड्रॉबैक ये है कि भाई जब गेज प्रेजर बहुत ज्यादा हो जब गेज प्रेजर लार्ज हो तो भी आप पिजोमीटर यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि जो आपका पिजोमीटर है वो बहुत टॉल हो जाएगा और इतना टॉल हो जाएगा कि चंपू को सीढ़ी लगानी पड़ेगी रीडिंग लेने के लिए है ना लार्ज लेंथ ऑफ पिजोमीटर बेसिकली बी हैविंग ए टॉल पिजोमीटर तो यानी कि यहां से मुझे कंक्लूजन क्या मिला यहां से कंक्लूजन मुझे यह मिला कि पिजोमीटर को हम स्मॉल स्मॉल टू मीडियम स्मॉल टू मीडियम है ना लो टू मॉडरेट गेज प्रेजर के लिए ही यूज करेंगे तो so, लो मॉडरेट ठीक है क्लैरिटी है क्लैरिटी है क्लैरिटी है क्लैरिटी है तो so, अब मैं क्या एक बेहतरीन कंक्लूजन दे सकता हूं क्या मैं एक बेहतरीन कंक्लूजन दे सकता हूं पीजोमीटर्स आर यूज्ड क्या मैं एक बेहतरीन कंक्लूजन दे सकता हूं पीजोमीटर्स आर यूज टू मेजर लो टू मॉडरेट फिजोमीटर्स आर यूज टू मेजर लो टू मॉडरेट गेज प्रेजर ऑफ लो टू मॉड्यूरेट एज प्रेजर ऑफ लिक्विड ओनली लिक्विड्स ओनली क्लैरिटी है फिजोमीटर्स आर यूज टू मेजर द लो टू मॉड्यट हाई गेस प्रेजर मेजर नहीं कर सकते हैं गेस प्रेजर वैक्यूम प्रेजर मेजर नहीं कर सकते हैं ऑफ लिक्विड ओनली गैस का जर भी मेजर नहीं कर सकते हैं तो यार क्या आपको कुछ लिमिटेशन दिखाई दे रही है पिजोमीटर की है बहुत सिंपल बहुत प्यारा है स्वीट है अरे करना ही नहीं है कुछ करना ही नहीं है कुछ करना ही नहीं है बहुत ही स्वीट है बस एक ग्लास ट्यूब ले लो डेट सेट एक एंड को कनेक्ट कर दो तो, जहां पर भी प्रेजर मेजर करना है दूसरा एंड ओपन टू एटमोसफियर और जब पी ग्रेटर देन पी एटीएम लोकल है तो आपने झमा झम तरीके से देखा चाहे ऊपर से कनेक्ट करो टॉप से कनेक्ट करो बॉटम से कनेक्ट करो साइड से कनेक्ट करो यस जो भी फ्लूड है उसका कुछ लेवल आपको दिखाई देगा यू विल बी एबल टू मेजर द गेस प्रेजर लेकिन ड्रॉबैक है गैस एस्केप कर जाएगी वैक्यूम प्रेजर है तो जो एटमोस्फ्रिक एयर होगी वो सख हो जाएगी बहुत हाई प्रेजर मेजर भी नहीं कर सकते हैं है ना तो पहला पॉइंट पीजोमीटर कांट बी यूज फॉर गैसेस सिंस गैस विल एस्केप फ्रॉम अदर एंड विच इज ओपन टू एटमोस्फियर अलोन पीजोमीटर कांट बी यूज फॉर मेजरिंग द वैक्यूम प्रेजर है ना पीजोमीटर कांट बी यूज फॉर मेजरिंग हाई गेज प्रेजर हाई गेज प्रेजर सिंस इट विल रिक्वायर वेरी लार्ज लेंथ ऑफ पीजोमीटर जोमीटर विल बिकम अननेसे अन वेरी टॉल फिजोमीटर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग लो टू मॉडरेट गेज प्रेजर ऑफ लिक्विड ओनली फटाफट से नोट डाउन करेंगे रे बाबा डन टेक इट टेक इट टेक इट क्विकली

डन चलो तो वी विल स्टॉप हेयर यूट्यूब मैनोमीटर वगैरह मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा ही तो बेटा ये सारे रैंकर्स हैं रैंकर्स हैं अरे बाबा नेक्स्ट ईयर आप लोगों को भी रैंक फोड़नी है और मैं तो अभी आपको बता दे रहा हूं जो ऑफर चल रहा है वन ऑफ द बेस्ट ऑफर विच यू कैन हैव ऑन एन अकेडमी प्लस जहां पर आपको 12 या 12 महीने से ज्यादा का ज्वाइन करने पर प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हैं बट आप ई में पे कर सकते हो अगर आपको लोन लेकर पे करना है लोन लेकर भी आप पे कर सकते हो जस्ट आप एक काम करो इस नंबर पे कॉल करो और बोलो मैं नेगी सोल्जर हूं मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है लोन पर लेना देखो लोन की ब्यूटी ये है नो कॉस्ट ई है जीरो परसेंट इंटरेस्ट है दो घंटे में लोन अप्रूव हो जाता है मिनिमल पेपर वर्क है फ्लेक्सीबल से, दिस इज द फीस स्ट्रक्चर आपको पता है कोड एक ही है नेगी टेन रे बाबा ऑफलाइन स्टार्ट हो चुका है रामनाथ हाउस महरोली और अगले महीने से मैं भी पढ़ाने वाला हूँ ऑफलाइन सेंटर पे थैंक यू सो मच अभी भी थोड़ा सा मतलब हेल्थ इश्यूज चल ही रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं आप लोगों के लिए देखो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए क्लास ले लेनी चाहिए तो आज काफ़ी चीज़ें हमने कवर करी हैं उम्मीद करता आपको मजा आया होगा कितना डेप्थ में हम लोग जा रहे हैं मतलब अलग ही लेवल पे चल रहा है बाबा ये तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या क्या डिस्कशन हुआ है बैरोमीटर का डिस्कशन हमने किया बैरोमीटर का डिस्कशन किया बहुत डिटेल में एक एक चीज हम लोग लेकर चल रहे हैं है ना सर आपका हीट ट्रांसफर पढ़ रहा हूँ सेवन डेज फ्री ट्रायल में क्या ही तो झमा झम ज्यम मजा रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बैरोमीटर का डिस्कशन किया हम लोगों ने है ना क्या ही तो बात है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यूज देखी हैं उसके बाद हम लोगों ने मैनोमीटर का डिस्कशन किया है पिजोमीटर का डिस्कशन किया है ओपन टू बोथ एंड्स एंड इफ पी इज ग्रेटर लोकल If P is than P ATM local, तो इस तरीके से जो फ होगा वो आपको किसी हाइट पर जाकर नजर आएगा बिल्कुल अखिलेश बिल्कुल जरूरी है अरे बाबा गाइडेंस देखो सबसे बड़ी चीज है गाइडेंस अखिलेश सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है गाइडेंस कंटेंट तो आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल ही जाएगा लेकिन जो गाइडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन्वरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है है ना प्लस पे रोज़ एन टी पी पी मिल रही है प्लस पर रोज़ पी वाई क्यूज़ मिल रहे हैं जिन्होंने मेरा नेगी सोल्जर सेवन वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है उनको आइडिया होगा तो यार आप कहीं पर भी कनेक्ट करो टॉप पर करो बॉटम पर करो या साइड पे करो है ना जो फ्लूड का राइज़ होगा वो सेम ही होगा किस तरीके से कनेक्ट करना है मैंने बता दिया आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है कि कनेक्शन जो हो वो नॉर्मल टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड फ्लो डायरेक्शन के हो है ना वट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड फ्लो के नॉर्मल में आपको कनेक्ट करना है ठीक है चलो We will stop here. We will meet on Monday and we will start our discussion of YouTube Manometer. Anna? Thank you so much. Bata. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Love you all. Take care. Thank you, everyone.